आसमान के रंग में हरियाणा, ध्यान के रंग में हरियाणा। पिरामिड मेडिटेशन चैनल हरियाणवी में आप सबका स्वागत है। हमारी स्वाध्याय सीरीज का आज आखिरी दिन है, तो आज हमारे स्पीकर के रूप में मुख्य वक्ता शकुंतला जी है, जो तुलसी दल पर अपना अनुभव शेयर करेंगे। फिर उनके बाद ईशिता चुग पानीपत से हमारे बीच जो अपना एक्सपीरियंस स्वाध्याय का वो शेयर करेंगे। तो पीएमसी हरियाणवी चैनल का फर्स्ट रूल है, नो वेस्ट ऑफ टाइम, नो वरी, नो हरी। हम समय की बर्बादी नहीं करेंगे, ना ही किसी प्रकार की चिंता करेंगे और ना ही जल्दबाजी करेंगे। तो इसी नियम को आधार बनाते हुए हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज के हमारे होस्ट है श्रीता दहिया जी। श्रीता दहिया जी, प्लीज सेशन को संभालिए। पीएमसी हरियाणवी चैनल के सारे दर्शकों ने श्रीता दहिया की प्यार भरी राम राम। देखो, स्वाध्याय सीरीज आज हमने पूरी कर ली है और पूरे 13 स्पीकर साहब के सामने लेकर आए, और आज जो स्वाध्याय सीरीज का आखिरी दिन है, आज हमारे साथ दो स्पीकर हैं। सबसे पहले हम शकुंतला जी को लेंगे, शकुंतला गौतम जी जो पानीपत से हैं, हरियाणा पानीपत से हैं। और शकुंतला गौतम जी के बारे में जब मैंने जाना तो एक चीज साझी निकल कर सामने आई कि जितने भी ध्यानी लोग हैं, जो भी इस रास्ते में चले हैं, वो बचपन से ही उनके अंदर एक जिज्ञासा रही है, बचपन से एक प्रश्न हमेशा उठता रहा है कि अपने आप में जाना है, हम के हैं, क्यों आए हैं, के काम है। और जो ये दैनिक कार्य ये तो सब कर रहे हैं, उसके बाद भी एक अंदर जो जिज्ञासा है, अभिलाषा है अपने आप की जानने की, वह हमने ध्यान की तरफ लेकर जा है। और वो संकुचन शकुंतला मैडम ने के साथ हुआ है, बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी, पूजा पाठ करना, व्रत रखना और अध्यात्म की किताबें पढ़ना। और उनने बताया कि वो शिव महापुराण का 5 बार पाठ कर चुकी हैं। तो इतनी अध्यात्मिक प्रवृत्ति और इतना सब कर्मकांड, लेकिन फिर भी एक अंदर से हमेशा प्रश्न उठा करता कि मैं कौन हूँ, ये सब क्या है, जीवन की शुरुआत कहाँ से हो रहा है, अंत क्या है, मरने के बाद क्या होता है। इन सब प्रश्नों की खोज में वो ध्यान की तरफ मुड़े और ध्यान से ही उनको अपने प्रश्नों का उत्तर मिला। और आज वो इसी विषय पर बात करते हुए भी, हम जो योग कर रहे हैं और व्यक्तिगत रूप से एक योगा टीचर भी हैं, देखो योग आसन करने से हम शारीरिक रूप से भी ठीक रहते हैं, मानसिक रूप से भी फर्क पड़ता है, लेकिन अगर योग के साथ ध्यान जोड़ दिया जा तो उसके बाद ही हमारे अंदर जागृति आवे है भी, उसके बाद ही हमने पता चला है कि भी हम अंदर से क्या हैं और क्यों हैं। तो इन सब सवालों का जवाब मैडम शकुंतला ने ध्यान में पाया और वो आज ये सारी बात हमारे साथ साझा करेंगी भी क्यों कर योग ने ध्यान से जोड़ा है और ध्यान में क्यों कर जागृति आवे है और यह जागृति हमारे अंदर के काम करे है। ये सारी बात आज हम शकुंतला मैडम के साथ करेंगे। शकुंतला गौतम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप मुख्य स्क्रीन पर आओ और अपने विचार साझा करो। शकुंतला मैम, अनम्यूट करो अपना। अनम्यूट कीजिए शकुंतला मैम। हाँ जी, हाँ जी, दो। हाँ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत मैम। नमस्कार जी सभी मास्टर्स को मेरा बहुत बहुत है। असल में ना नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, मैं कभी यहाँ कभी यहाँ कनेक्ट कर रही हूँ इसको, थोड़ा सा बस 2 मिनट का टाइम दो मुझे। शकुंतला जी को नेटवर्क की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, वही मैं उनके बारे में बता रही थी आपको। शकुंतला जी, जब उन अपने जीवन में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा, वो इतनी इतनी बीमारियां थी जिनके कारण उनको मानसिक संतुलन में भी दिक्कत आई, वो एक
तरीके से अवसाद में चली गई, क्योंकि बंदा जब शरीर तो ठीक नहीं होगा तो मानसिक रूप से तो दिक्कत होनी होनी, वो सोच मतलब इतना गंभीर रूप से बीमार होगी कि सोचन समझण में भी उन्हें दिक्कत होने लगी। लेकिन वो क्यों कर ठीक हुई, वो योग के द्वारा ठीक हो गई, उन्हें दवाई नहीं ठीक कर पाई, योग ने ठीक करे। अरे योग ने ऐसा कमाल करा कि वो ध्यान में आए, और ध्यान में आने के बाद तो वो खुद मास्टर बन गए, और आज तो वो एक योगा टीचर के रूप में काम कर रहे हैं। तो उनके जीवन के बारे में, उनके अनुभव के बारे में, उनकी जागृति के बारे में शकुंतला जी से बात करेंगे। हाँ जी मैडम, तैयार हो? अनम्यूट अनम्यूट कीजिए मैम। हाँ जी प्रणाम जी सभी को, आवाज आ रही है ना? बिल्कुल मैम आ रही है, आप कंटिन्यू कीजिए। आ रही है आवाज। सर्वप्रथम तो मैं आप सभी मास्टर्स को बहुत बहुत तहे दिल से प्रणाम करना चाहती हूँ। ऐसी महान आत्माएं यहाँ जुड़ी हुई हैं, और खासकर मैडम का संगीता नेहरा डॉक्टर, तो जिन्होंने हमें इतनी अच्छे मार्ग पे लाया है, मैं बहुत ही दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ। और बस शब्द नहीं है मेरे पास, क्योंकि और थोड़ा सा मैं अब आपके बारे में अपने बारे में बताना चाहूंगी। एक तो पहले से ही हम थोड़ा बहुत पूजा पाठ और अध्यात्म के रास्ते पे बचपन से ही थी मेरी लगन। तो बचपन में हम पूजा पाठ करते थे भाई, अपने बड़ों को देखते हुए मेरी दादी के साथ, तो अपना आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ना, आरती करना, भजन गाना मेरा बचपन से ही शौक रहा है। तो जैसा कि होता ही है, जिसमें अध्यात्म में जो एक बार घुस जाता है ना, फिर उसके मन में ना बहुत सारे क्वेश्चन आने लगते हैं, ये क्या होता है, ये कैसे होता है, भगवान कहाँ होते हैं, हम उनको देखना चाहते हैं। हमारे मन में ना जिज्ञासा रहती है हमेशा, जानना चाहते हैं उसकी हकीकत को। तो ये मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा लगता है हर इंसान के जीवन में होता होगा, उतार चढ़ाव आए। तो जैसे मैंने शिव महापुराण पढ़ी, 5 बार मैंने उसका अध्ययन किया, उसमें भी क्या होता है, इस कितने लोक होते हैं, इस लोक के पार क्या होता है, वो सब मतलब गहराई से जानने की जिज्ञासा थी ना मन में, वो जिज्ञासा मतलब बरकरार थी कि कहीं तो है, कुछ तो है, जब हमको इसको पाना चाहिए। तो होते होते फिर जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, जैसे कि आपने बताया भाई मेरे साथ क्या क्या हुआ, डिप्रेशन हुआ, फिर मैंने योग किया। मैं तो है ना सबसे पहले तो अपने सारे जितने भी मेरे मतलब कॉन्टेक्ट में मेरे से एक बार जो भी मिल लेता ना, मैं ये बताना चाहूंगी भाई, किसी को भी इंसान को जीवन में ना मनोबल नहीं छोड़ना चाहिए। मैं जो अपना एक्सपीरियंस खुद का बता रही हूँ ना, अनुभव मेरा, तो इंसान की अगर मनोबल नहीं टूटेगा, मनोबल उसका एकदम मजबूत रहेगा, दृढ़ रहेगा, तो जीवन में कभी इंसान हार नहीं मानेगा। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मेरे को देख के लोग हैरान होते थे कि इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, और देखने आते तो मतलब फोन पे बात करते ना, मैं कहती ठीक हूँ मैं, तो मुझे क्या हुआ, लेकिन देखने आते कहते ले इतनी ज्यादा इसको चोट लगी है, हम तो बात करने से पता ही नहीं चलता था कि ये ऐसे, मतलब मेन क्या है, हमें अपनी मानसिक शक्ति को हमेशा बरकरार रखना चाहिए, कभी भी मन में हार नहीं माननी चाहिए। तो फिर अपना थोड़े बहुत कष्टों के बाद स्वामी जी महाराज का पता लगया, स्वामी रामदेव जी के अपना शरण में पहुंचे जी, योग किया और करवाया बहुत लोगों को, अब योग करते करवाते और योग ध्यान, अब साथ में और ध्यान जुड़ गया। पहले तो हम थोड़ा सा ही ध्यान करते थे, और फिर हमारी संगीता मैडम ने हमारा मार्गदर्शन किया, तो हमें मतलब फिर और ज्यादा प्रकृति से जोड़ा। हम ना जितना मतलब देखते थे पहले बचपन में होता था भाई, ये चिड़िया है, ये तितली है, ये मतलब सारी चीजों से हम बचपन में जुड़ते थे, बचपन में कितना अच्छा लगता था, मन कितना चहकता था हमारा। लेकिन जैसे जैसे जीवन में बड़े हो गए, अब तो बस जिम्मेदारियों में पड़ गए, अब क्या क्या करना, अब छोड़ो, मतलब ध्यान ही नहीं उस तरफ से, बिल्कुल ध्यान एकदम तक हट गया। अपने जीवन में बस अपने जरूरी काम निपटाना और अपना लगे रहना, बस जिंदगी की गाड़ी को खींचते, बस ये काम है वो काम है जीवन में, वो तो हमारे दिमाग से बिल्कुल निकल गया था।
तो फिर हमने अपना संगीता मैडम ने हमें बहुत अच्छी राह दिखाई, हमें नेचर से जोड़ा, हमारे चारों ओर जीव जंतु पशु पक्षी, और थोड़ा बहुत तो मतलब जैसे हम पहले से भी, क्योंकि जिनका मन अध्यात्म और योग के रास्ते पे होता है उनके मन में दया करुणा ममता तो होती है। तो जैसे पहले भी एक मेरी वो आती थी घर के सामने, मेरे रोज गेट पे आना उसने, गाय माता आती थी तो रोज मेरे गेट के सामने आती थी। मैं छोटा मोटा एक्सपीरियंस बताऊंगी पहले अपना, तो वो रोज मेरे घर के आगे आती, मेरे गेट के सामने आती, बल्कि मेरे बच्चे ना बोलने लगे मम्मी वो आ गई तेरी बहन, क्योंकि ना तो वो बच्चों से रोटी लेती थी, ना वो मेरे नीचे किराएदार रहते थे उससे भी नहीं लेती थी, वो मेरे ही हाथ से लेती, किसी दिन वो दे भी देते ना, लेकिन वो जाती नहीं थी मेरी आवाज सुने बिना, उसको सारे बोलते रहते जा अबे हो तो गई तेरी रोटी, फिर वो जाना नहीं उसने, फिर बोलते मेरे को, वो नीचे वाली किराएदारनी भी बोलती भाभी आपकी कम्मो आ गई, क्योंकि मेरी बहन का नाम कम्मो है तो उन्होंने मेरी बहन वाला ही नाम उसका रख दिया, भाभी आपकी कम्मो आ गई, मेरे बच्चे भी बोलते कि मम्मी वो आ गई आपकी कम्मो दूर से। एक दिन तो बल्कि मैंने एक्सपीरियंस किया, मैं छत पे थी अपनी तीसरी मंजिल, और वो ना साइड वाली गली से जा रही थी कोड़े से, तो मैंने मेरे बच्चे कहते मम्मी एक बार देख आवाज मार के देखो, आज तो पक्का देखेंगे आपकी आवाज से देखती है, और आप यकीन नहीं करोगे मैंने छत से एक बार उसको बोला कम्मो, और वो इतनी दूर से तुरंत ऐसे लखाई ऊपर मुंह करके, मेरे को इतना मतलब एकदम से ना समझ लो अंदर से मेरी आत्मा भाव भी बोर होगी कि मेरे को मतलब कितना मतलब ये सिर्फ गौ माता है और देखो मेरे को कितनी पहचानती है, और मैं कहीं भी बिजी होती चाहे कपड़े धो रही होती या बाथरूम में होती जब तक मेरी आवाज नहीं सुनेगी ना उसने जाना नहीं था, मैं नीचे जाती उसको रोटी देती अपने हाथ से और फिर उसको माथे पे हाथ फेरती, जैसा कि हमारे पूर्वज बताते रहे थे हमारे बाप दादा हमारे घरों में यही संस्कार होते थे कि उसके गाय माता के रोटी खिला के उसके बाद उसके माथे पे हाथ फेरना, तो वही हमने सिखा हुआ था, ऐसे मैं करती उसको पुचकार के और तब उसने चले जाना, फिर मैं कहती जाब तुरंत चली जाती, लेकिन जब तक मेरी आवाज नहीं सुनती। और फिर ये अपना जैसे कि संगीता मैडम ने ये अखंड ध्यान करवाया था, वही ध्यान किया, पहले तो सिर्फ योग करते थे अपना, थोड़ा सा ध्यान करते थे अपना 2 मिनट 4 मिनट कभी कभी 4-5 मिनट बस, लेकिन ये अखंड ध्यान किया हमने संगीता मैडम के साथ, और इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा बहुत ज्यादा। हमारे एस्टल मास्टर से चारों तरफ कितने मतलब उनको कितने हमने प्यार से देखा और उनके साथ क्या क्या मतलब एक्सपीरियंस किया, वो बीच में भी मैं एक आध बार ग्रुप पे वीडियो भेजती थी, मेरी छत पे 20 गिलहरियां आती थी और उनको कैसे वो मतलब खेलती हैं कैसे वो इंजॉय करती हैं वो देखते हम कितना खुश होते हैं। नहीं तो वो आती तो पहले भी थी लेकिन हमने उनको ध्यान नहीं दिया इतना, बस ठीक है कभी कुछ है रोटी या कुछ भी दाने वगैरह हैं डाल दिए और अपना ठीक है भाई खा लेंगे, वो तो खैर पहले से रहा है, चलो कुछ दाने डाल दो छत पे पक्षी खा लेंगे या उधर चींटियों को आटा डाल दो, ऐसा तो मतलब पहले भी करते रहे लेकिन फिर रेगुलर हो गया हमारा, तो वो तो हमने रोज डालना ही डालना उनके लिए दाने डालना और फिर वो अपना खूब एक दूसरे के साथ। और इतना देखा मैंने उनको कि मतलब चिड़िया भी साथ में दाने खा रही है और गिलहरी भी खा रही है। एक दिन तो क्या हुआ बल्कि मैंने वीडियो बनाई फिर वो उड़ गई, मतलब चिड़िया आगे 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 भाग रही है और वो गिलहरी उसके पीछे पीछे मतलब खेल रही दोनों, इतना सुंदर नजारा बहुत ही सुंदर। और छोटे छोटे जीव जंतु ये पेड़ ये हम कैसे इनको प्यार करना सीख के कैसे मतलब ये हर चीज को मतलब हमने इतना ज्यादा सीखा संगीता मैडम से, बहुत बहुत तह दिल से मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। और बताने को तो मैं बहुत ज्यादा भी बताती रहूंगी क्योंकि जैसा कि मेरे को पहले से भी आदत है, स्वामी जी ने भी हमें मतलब इतना ज्ञान भर दिया हमारे अंदर, योग का टॉपिक मिल जाए हमें कुछ भी मिल जाए बस हमें बोलते रहने की आदत हो गई है। तो ये तो अब हम आते हैं, मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस था और ध्यान में इतना मन शांत हो गया कि पहले मतलब थोड़ा बहुत जैसे बच्चों पे गुस्सा होना वो तो देखो घरों की हो जाता है, बच्चे कभी गुस्सा दिला देते हैं कभी कुछ है, तो थोड़ा बहुत मन अशांत हो जाता था जो कर चिड़चिड़ापन है भाई, कई बार बहुत ज्यादा मतलब हो गया मन खराब हो गया तो बच्चों पे गुस्सा भी निकाल दिया, लेकिन जब से ध्यान में आए तो ये मतलब चिल्लाना ऊंची आवाज में बोलना बिल्कुल बंद कर दिया। और मेरे बच्चे भी यूं कहते मम्मी आप कुछ बदल गए हो, कहा हाँ ध्यान करती हूँ, अच्छा मम्मी हम भी करेंगे, मेरा बेटा भी करता ध्यान है, बल्कि बोलने लगता मैं तो है ना बुद्ध बनूंगा, वो
अपना मैं वीडियो चला के बैठ जाती थी ना, और वो पीछे से आवाज सुनता था, शिव ओम बुद्धम शरणम गच्छामि, तो वो मतलब सुनता, फिर उसने लगा वो मतलब बोलने लगा, मैं तो बस अब जाएगा बुद्ध की प्रतिमा की तरह और बैठा रहेगा बहुत देर तक, मैं मेरे को तो बुद्ध बनना। मैडम ये बहुत अच्छा, बल्कि मैं तो संगीता मैडम से एक और प्रार्थना करना चाहती थी, बीच में मेरे को काफी टाइम नहीं मिला, बात नहीं हो पाई, कि मैं मेरी ये इच्छा है कि भाई आप ना बच्चों के लिए भी कोई ऐसा प्रोग्राम चलाओ जिससे मतलब बच्चे बहुत ज्यादा इससे जुड़ जाए, ध्यान से मोटिवेट हो, योग तो करते ही हैं बच्चे, लेकिन वो भी उनको मतलब जैसे ना योग भी बोरिंग सब्जेक्ट लगता है, ठीक है थोड़ा कर लिया 5 मिनट 10 मिनट बस हो गया, लेकिन मतलब इन चीजों के तरफ हमने अपने बालकों को लेना पड़ेगा, हमारे संस्कार हमारी संस्कृति की तरफ ना हमने दोबारा से अपने बच्चों को लेना है, अपनी आने वाली पीढ़ी को हमने बहुत ही उज्ज्वल बनाना है, और ये संगीता मैडम ने बहुत अच्छा अभियान चलाया है, और साथ में हमारे यहाँ स्वामी रामदेव जी, मैं तो अपना योग ग्राम में आई हुई हूँ, मैंने बताया भी था, तो अभी हम 21 दिन तो रहने वाले हैं पक्का यहाँ पे, उसके बाद भी शायद रह जाएं, आगे का कुछ पता नहीं है अभी, क्योंकि ठंड भी थोड़ा होगी यहाँ पे शुरू, तो यहाँ पे अखंड यज्ञ चल रहा है और बहुत अच्छा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अखंड यज्ञ होता है, और उसके बाद योग और अपना ध्यान और अपना सूर्य दर्शन प्रकृति दर्शन सारा कुछ यहाँ पे, मतलब इतना संगम है ना ये प्रकृति चिकित्सा और सब कुछ, मतलब जल चिकित्सा नेचर सारा कुछ, मतलब यहाँ पे इतना ज्यादा संगम बह रहा है, बस समझो ज्ञान की गंगा में गोते लग रहे हैं हमारे तो। और अब मैं आती हूँ, ज्यादा टाइम तो नहीं ले लिया मैडम, मैं अब अपना, ठीक है तो मैं अब अपना आज का विषय, पुस्तक मेरे को दिया गया था तुलसी दल, और इसमें जो मेरा चैप्टर है नित्य जागृति, तो नित्य जागृति से हमारा तात्पर्य है कि भाई हमने किस तरह से ध्यान से हमें प्रतिपल हर क्षण हम जागृति में रहते हैं, हमारे अंदर दिव्य ज्ञान एक ऐसा भर जाता है, ज्ञान का प्रकाश है, जिससे हमारे को कोई भी मतलब शून्यता नहीं रहती, मतलब हम अनजान किसी भी मतलब चेतनता हमारे अंदर हमेशा बनी रहती है, हमें कोई भी कॉन्शियसलेस नहीं होते, हमारी हमेशा ऐसे रहते हैं भाई जागृति में बने रहते हैं, हम जो भी करना चाहते हैं जो भी कर रहे हैं ना अपना काम, हमेशा हम उसमें तत्पर रहते हैं और स्फूर्ति में रहते हैं, हमारे अंदर कोई आलस्य उन्माद इस तरह की चीज नहीं होती, तो हमने जुकर हमने भूत भविष्य काल की छाया हमारे वर्तमान पे नहीं पड़ती, हम हमेशा वर्तमान में जीते हैं, तो इस प्रकार से हमने ध्यान में हमेशा रहना चाहिए निरंतर है, लेकिन हमने क्या करना है उसको अभी एकदम से हमें किसी को नए इंसान को बताएंगे कि भाई ऐसे ऐसे ध्यान करना है, तो एकदम से वह नहीं समझ पाते, ये मतलब हमारे समझ लो इतने ये अपने बड़े बड़े मास्टर्स लगे हुए हैं, इतना मतलब अभ्यास कर रहे हैं सब लोगों को ध्यान की तरफ जोड़न का, लेकिन ये पता नहीं कह लो या तो उनके पूर्व जन्मों के कुछ संस्कार लगा लो या मतलब कुछ भी हमारी विडंबना है, कि मैं भी देखती हूँ जैसा सुमित जी ने गांव-गांव ध्यान का इतने सारे लोगों को जोड़ा है, और हर प्रतिदिन उसमें से एक दो चार लेफ्ट हो जा रहे हैं, तो ये पता नहीं क्यों मतलब ज्ञान की तरफ लोगों का ना झुकाव नहीं है, तो इसमें मतलब ध्यान में हमने लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जिसमें संगीता मैडम लगी हुई है साथ में, अब हम भी सहयोग करेंगे जितना हमारे से बन पड़ेगा, तो हम जब कंप्लीट तरह से हम अध्यात्म शास्त्र के ज्ञानी जब बनेंगे, जब हम ध्यान की तरफ जाएंगे और फिर हम अपने आप को जागृति में रखेंगे और हम अपने आप को धीरे धीरे बदलते जाएंगे, क्योंकि अभी तो हम ना पता नहीं कितने झंझटों में फंसे रहते हैं, हमारा ये हो गया हमारा वो हो गया, लेकिन हम ज्यादातर तो हमें एक तो भूतकाल में जीतते हैं या फिर भविष्य के सपनों में जीतते हैं, ये एक इंसान की बात नहीं है, ये हर प्राणी की बात है, या तो वो भूतकाल की चीजों को हमेशा मन में रखेगा, मेरे साथ ये हो गया था वो हो गया था उन सपनों को, या फिर हमने ये करना है हमने वो करना है,
वर्तमान में तो लोग सोचते ही नहीं है। तो इस प्रकार से हमने जब तक ध्यान में नहीं आओगे हमें, जब तक हमारा वो टाइम नहीं आएगा, काम जब तक है वर्तमान में जीना सीखेंगे। एक हमारी मानसिक शक्ति, जब हमारी मानसिक शक्ति जब ही बढ़ेगी, जब हम ध्यान करेंगे, योग करेंगे, ध्यान के साथ साथ योग भी जरूरी है, क्योंकि हमारा अब शरीर है ना, जिसने मान लो बचपन से ही हमारी जो लाइफस्टाइल रहा है, जो हमारा खान पान रहा है, जो हमारी उठने जागने की हैबिट, तो हमारी सारी आदतें अब तक इतनी बढ़िया नहीं थी। जैसे कि संगीता मैडम है, ये तो मतलब जैसे कि सब जो ध्यान में आ गए समझ लो, उनका तो लाइफ एकदम जीने का तरीका ऐसा ही नहीं है। लेट उठना और लेट तक, मतलब बिना समय के कुछ भी खाना, बिना समय के कुछ भी करना, कोई मतलब हमारा नियम के साथ कुछ भी ना होगा तो हमारा टाइम ठीक नहीं होगा। एक तो हमने अपने नियम से ही चलना पड़ेगा, हमने सुबह का प्रातः जल्दी जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और फिर हमने योग ध्यान करना चाहिए। तो जब तक हम ये सब नहीं करेंगे तो हमारे मानसिक शक्ति का विकास नहीं होगा, और फिर जब मानसिक शक्ति का विकास नहीं होगा तो फिर हम जागृति कैसे लाएंगे। तो जागृति लाने का मतलब तो यही है कि पहले हमने अपने मन को मजबूत बनाना पड़ेगा। हमारा मन मजबूत जब ही बनेगा जब हमें थोड़ा बहुत ध्यान मेडिटेशन करेंगे, प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम से ही हमारी जो है मन और तन स्वस्थ होंगे, और मन और तन स्वस्थ होए बिना ये काम नहीं होता। तो जो हमारी परिणति प्राप्त पूर्णात्मा है ना, उसके साथ साथ सह सृष्टि कर्ता भी है, जो हमारे नए नए अंश आत्माओं की अलग अलग लोकों में सृष्टि करते रहे हैं। तो ध्यान के जो है ना, ध्यान के अब लाभ कितने हैं, शारीरिक लाभ है। योग ध्यान करेंगे तो सबसे पहला तो हमारा शरीर स्वस्थ होगा। वो क्या करे ना भाई, जब तक हमारा शरीर ठीक नहीं है, जब तक कोई ध्यान और कुछ न्यूटा करे भाई, कहा किसकी पूजा किसके पाठ, यहाँ दुख है वहां दुख है, कहा ध्यान करे, हमारे से तो बैठा ही ना जाता, न्यू मतलब बहाने हो जाए हैं। तो हमने धीरे 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 करके पहले छोटे छोटे थोड़े थोड़े एक्सरसाइज छोटी मोटी, फिर हम प्राणायाम धीरे धीरे हम ऐसे करवाते हैं ना, जैसे भाई प्राण लेते हैं हम, श्वास, सिर्फ श्वास पे ध्यान रखते हुए प्राण वायु जाती है हमारे शरीर में। जिस तरह से हमें बीच में भी इन्होंने भाई जी ने करवाया था, संगीता मैडम भी बताती है, हार्टफुल योग जो होता है हमारा, हम अपने सारे चक्रों में कैसे अपने ध्यान को लगाते हैं पूरे अपने पैर से। मैं भी इस तरह अपने योगा क्लास में इस तरह ही ध्यान करवाती हूँ कि अपने पैर से लेकर और सिर तक धीरे 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 अपने शारीरिक अंगों को देखते हुए, अब हमारा यहाँ पे आ गया ध्यान, यहाँ पे आ गया हमारे घुटने में, हमारे सारे चक्रों में। तो अपना जब तक कुंडलिनी जागरण तो तब होएगा जब पहले हम अपने शरीर ने ठीक करेंगे। तो हमने सबसे पहला सुख निरोगी का आया, और उसके बाद हमारे मन को शांत करेंगे। जब हमारा शरीर धीरे धीरे ठीक होने लगेगा योग प्राणायाम ध्यान से, योग प्राणायाम ध्यान से ठीक होने लगेगा तो हमारा मन अपने आप शांत हो जाएगा। नहीं तो ध्यान हो ही रहे है, जहाँ पे जिसको गोड्डे में दर्द है बस ध्यान हो ही रहेगा, किसी के कमर में दर्द है ध्यान हो ही रहेगा, तो ध्यान कहाँ लगेगा। ध्यान तो जब लगेगा ना, जब वो वहां तक बीमारी हटेगी, और वो कैसे हटेगी, अग भाई हमने थोड़ा बहुत योग प्राणायाम थोड़ा सा अपना, जैसे यहाँ तो इतने क्वांटम किचन, क्वांटम सारा फ्रूट सब्जी मतलब सारा कुछ, इतना मतलब ज्ञान मिला है ना हमने इससे चैनल से, पीएमसी हरियाणवी चैनल से है। आके पूछो ना बात भाई, जब तक हम अपना खान पान ठीक नहीं करेंगे तो हमारा कैसे ध्यान लगेगा, कैसे हमारा शरीर निरोग होगा। शरीर निरोग करने के लिए हमने अपना खान पान भी ठीक करना पड़ेगा, खान पान ठीक, अपना प्रकृति से जुड़ना, ज्यादा से ज्यादा ताजा बनाओगे। वो सारे मतलब डॉक्टर ख्याति बताते रहते हैं, और ये अपना डॉक्टर संगीता ने तो बस समझ लो पूरा ये संभाल रखा मोर्चा। और उसके बाद मानसिक शांति तो वह होगी, और हमारी फिर बुद्धि कुशलता होगी, हमारा दिमाग दुरुस्त जब तो होगा, जब हमारा शरीर भी और मन भी शांत होगा, और फिर आर्थिक सक्षमता।
अर्थ है तो हम जब कमा पाओगे, जब हमारा मन है तन है सब कुछ साथ देवेगा, हमारी बुद्धि साथ देवेगी, जब हमारा आर्थिक हम चाहे किसी के पास कितना पैसा हो, कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे का कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन वे उसको सही तरीके से खर्चना संभालना आना वो ही नहीं पता, क्योंकि लाइफस्टाइल सारा गड़बड़ है, जीवन जीने का तरीका ही गड़बड़ है, तो फिर कहाँ तक होगा। तो आर्थिक उनको ठीक तरीके से चलाना भी जब आवेगा, जब तन और मन ठीक रहेंगे। अच्छा, फिर हमारा आध्यात्मिक ज्ञान तो फिर बढ़े बढ़ेगा, क्योंकि फिर तो हम रास्ते पर चल पड़े अध्यात्म के रास्ते पे, अपने शरीर और तन मन को सबको इंद्रियों को बस में करते हुए फिर हम अध्यात्म के रास्ते पर चल पड़े, तो अपना अध्यात्म तो हमारा बढ़ेगा ज्ञान तो। और ध्यान तो ना जानने वाले है ना, फिर सत्य भी नहीं दिखता उनको, ध्यानी लोग तो पूरी तरह जिंदा रहते हैं, और बिना ध्यानी लोग तो फिर कभी उनका कोई बीमारी घेर ले, कभी उनका शारीरिक कभी मानसिक, मतलब कुछ न कुछ ना गड़बड़ चलती रहे है। और फिर अध्यात्मिक तो फिर ज्ञान होगा, अध्यात्मिक ज्ञान तो होता नहीं। तो इस प्रकार हमने सामाजिक रास्ते पैसे बारे में तो जब सोचेंगे, जब खुद के बारे में सोचेंगे, पहले तो खुद ने ठीक ना कर पाते हैं तो समाज को कहाँ कर पाओगे। तो जब ही हम अपना शरीर तन और मन को स्वस्थ कर हमने इंद्रियों को स्वस्थ वश में करके जब हम अध्यात्म के रास्ते पर चलेंगे, फिर हम अपने समाज के लिए भी सोचेंगे और समाज में अच्छे मित्र बनाओगे। अच्छे मित्र का मतलब भाई हम अच्छी राह पे उन्हें भी चलाओगे। मित्रता का अर्थ तो यू है, जिस तरह संगीता मैडम निभा रही है पूरे देश में, क्या मतलब जहां भी उसने जो भी जनजीवन मिल जाता है उनको सही राह दिखाती है, तो उनको समाज को पूरे समाज सुधारने का ठेका हमने लेना पड़ेगा। ध्यान करने वालों ने, योग करने वालों ने एक दूसरे के तरफ देखते रहेंगे, अक वो करेगा पहले, वो करेगा, कोई पहले नहीं करता, हम सब ने पहले करना पड़ेगा, सब आगे आवेंगे मिलकर। जितने यहाँ ध्यान वाले हैं सब जुड़ रहे हैं, और जितने योग वाले हैं सब ने बीड़ा उठा रखा है, तो इस तरह सारे मिलकर यो मतलब अभियान चला रहे हैं बहुत ज्यादा। अक भाई पूरा समाज, हमारा समाज ठीक होगा, हमारा सारा समाज यो ध्यान करेगा, योग करेगा, जब तो पूरे दुनिया में सुधार आएगा। और ऊपर तक फिर हमने यो अपना साकार पे, साकार भी दुनिया में दुनिया जब ही फैलेगा, क्योंकि जब इंसान की जागृति हो जाए ना उसके मन की, तो फिर तो वो गलत चीज कर ही नहीं सकता। छोटी तो छोटी चीज को भी, पत्ते को भी तोड़ने में इतना मतलब दर्द होता है कि हाँ भाई इसमें जीवन है। तो जिस तरह संगीता मैडम ने भी बताया, पहले भी हम करते थे, बच्चे कहीं भी पेड़ उनको हटाने, बेटा इसको पेन होती है, तो ईव और ज्यादा उस पर ध्यान देते हैं, क्योंकि उनमें भी जीव है, उनमें प्राण है, तो हमने इतना ज्यादा उसपे जागरूकता आई है। अगर भाई हमें इस तरह से अपने समाज को, अपने चारों ओर पेड़ पौधों को, अपनी हर चीज को, हर चीज को कितना प्यार करें, कितना अच्छी तरह से उसको वो ध्यान रखें, तो जब ये ध्यान मान लेता है ना मानस, जब ये करेंगे सारी चीज तो दुनिया जीए जा रही है। और फिर हिसाब से ही हमने इसे अभियान तक जुड़ने का मौका मिला है, हो सकता है हमने पिछले जन्मों में सोचा होगा कभी यो काम, अगर भाई हमने ऐसे ऐसे करना है हमारा अधूरा रह गया, तो हम पकड़ लिए संगीता मैडम ने, सही पकड़ लिए कति इस तरह ते, तो बस समझ ले सबने पकड़ लो और लगा लो इस काम पे। तो हमने जो जो छूटे छुटाए थोड़े बहुत रह जाएंगे उनका फिर दिक्कत होगी, फिर जन्मा जन्मा में भोगना पड़ेगा, तो हम ज्यादा से ज्यादा जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन ध्यान करने पे हमारी स्वतंत्र इच्छा होती है, हम अपना भाई इच्छा तय अपने आप जिस तरह जन्म लेते हैं, या हमने अपना वो चुनना है कहाँ हमने क्या काम करना है, क्या कर्म करना है, तो इस तरह से बताया गया। जैसे ध्यान में तो भाई हमने ध्यान में यूं पता लगता है हम कहाँ का आए थे, हमने क्यों यूं जीवन चुना है, हम अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए आए हैं यहाँ पे,
तो इस प्रकार हमने अब जैसे थोड़ा बहुत ये हो जाता, हमने क्या क्या ड्यूटी मिली है, घर की मिली है, कोई घर में प्रॉब्लम होगी, टेंशन होगी, थोड़ा बहुत कभी कभी हो जाता था कि भाई नहीं, खुद को थोड़ा सा आ जाता था कि क्यों मेरे साथ ऐसा है, क्यों मेरे साथ ऐसा। लेकिन जब तक हम ध्यान में आए, हमने यो समझ में आ गया भाई यो तो हमारी ड्यूटी है, यो हमने इसलिए मिला है, अक भाई हमने पिछले जन्म में कुछ कराया होगा ऐसा, या फिर हमने हमारे संस्कार ये रहे होंगे, अक भाई हमने ये करना पड़ेगा इस जीवन में। तो अब उन बातों को इतना ज्यादा हमें नहीं महसूस करते, अक भाई चलो हमने करना पड़ेगा तो कर लेंगे ही भाई, और क्या करे, क्योंकि करना तो है, जो भी है हमने वे सेवा करनी है जो हमें मिली हुई है, और हमने अपना यो जीवन सुधार लेंगे, तो फिर अगर हमारा यो सुधर लेगा तो हम अपने आप ही पूर्णात्मा के तरफ पहुंच जाएंगे, पूर्णात्मा के तरफ जब पहुंचेंगे अक भाई, जब हमने ध्यान कराया है, ध्यान में हमने पता लगा है हम क्यों आए, हमने कैसे यहाँ पे जीवन लिया, क्यों यहाँ पे हमने जन्म पाया, क्यों हमारे आसपास के लोग हमें मिले, उनके लिए हमने क्या करना था, वो सारा हम अब करते जा रहे हैं तो अपना करते रहेंगे। ज्यादा टाइम तो नहीं हो गया जी? नहीं, 15 मिनट है आपके पास। आवाज आ रही है ना? अच्छा जी। अब ईब मतलब मेडिटेशन जो है ना, मेडिटेशन ध्यान है, इसकी मतलब क्या क्या वो है, इसके मीनिंग? एक तो है ना मेडिटेशन में तो एम है, एम मतलब हमारा ध्यान, हमारा मन। उसके बाद है ई का मतलब एनर्जी मतलब शक्ति का संयोजन। हमें ध्यान है अपनी शक्ति का संयोजन करके, फिर डी मतलब डिटैचमेंट, निसंगता से लगे रहते हैं, हम दीक्षा संकलन करते हैं, और सूक्ष्म शरीरियन मन शक्ति के द्वारा, थॉट, टी से थॉट पावर, मन शक्ति, मानसिक शक्ति, मनोशक्ति के द्वारा इंटेलेक्ट करते हैं अपनी बुद्धि को हम इंटेलेक्ट करके पूर्णात्मा ज्ञान हासिल करके फिर हमें निर्वाण की स्थिति में पहुंच जाते हैं। जैसा संगीता मैडम बार बार बताती रहती है, निर्वाण की स्थिति में हम मोक्ष की स्थिति में होते हैं, और ध्यान के द्वारा हम एक ही होते हैं पिरामिड का। तो बस मैंने बीच में भी एक दिन बल्कि डाला था कि पिरामिड से इतना मतलब मेरे को सुकून मिलता है, मैं विजुलाइज करती हूँ बस। मैंने कब से, जब मैं इस पीएमसी हरियाणवी चैनल पर जुड़ी थी, जब तक मैंने ये सोचा है कि ये पिरामिड मैंने बनाना है, पर वो बस मेरे को अभी बन नहीं पाया, मौका नहीं मिला है, लेकिन मैं उसको विजुअलाइज करती हूँ। जब भी मैं ध्यान में बैठती होती हूँ ना, जब भी मैं उसको विजुअलाइज करती हूँ, और मेरे मैं ये मैं महसूस करूंगा कि भाई मेरे सिर के ऊपर वो मतलब पिरामिड है, और वो मेरे अंदर ऐसी मतलब अच्छी वाइब्रेशन दे रहा है, पॉजिटिव वाइब्रेशन दे रहा है, और फिर मैं अपना इतनी देर ध्यान में बैठी रहूं, मेरे को वही बस फीलिंग आती है। तो ये तो बीच में मैंने थोड़ी सी अपनी बात छेड़ ली थी। तो हम फिर वास्तविकता की स्थिति में रहते हैं, हम उन ख्यालों में नहीं रहते हैं, क्या होया, क्यों होया, आगे क्या होगा, आगे क्यों होगा, कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये क्यों होगा। तो हम ध्यान तक जब जुड़े हैं तो हमें अपने असलियत के साथ रहते हैं कि हम सृष्टि ने हमें क्यों रचा, क्यों हमें भेजा, क्यों हम आए, अब क्यों हमने के करना था। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक ये अपना भगवत गीता में लिखा गया है, एक उद्धरेत आत्मनम न आत्मा आत्मनम वसादेत, हमने अपना स्वयं ही उद्धार करना पड़ेगा। इसका मतलब यो है, हमने अपना स्वयं उद्धार करना पड़ेगा, कोई और कोई हमारा उद्धार नहीं करेगा, और हमने अपना पतन नहीं करना चाहिए, सिर्फ अपना हमने उद्धार करना चाहिए, हमने अपना पतन नहीं करना चाहिए। और आत्मेव आध्यात्मने बंधु आतोवरी पुरात्मने, इतना ही नहीं, कोई दूसरा भी हमारी मदद नहीं करेगा, बल्कि और ना कोई दूसरा हमारा नुकसान करेगा, हम अपने मदद के, अपने फायदे के और अपने नुकसान के जिम्मेवार खुद होंगे।
जब तक हम ध्यान से नहीं जुड़ेंगे हमारा कोई राह नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, कोई ठोड़ नहीं है हमारा। तो इसमें मतलब यू बताया गया है भाई, हमें खुद अपनी मदद कर सकते हैं, हमने नुकसान भी अपना कर सकते हैं और अपना फायदा भी कर सकते हैं, हमें अपने उर्दोगति को प्राप्त कर सके हैं और हमें खुद अपनी अधोगति को प्राप्त कर सके हैं। तो हमने यो डिसाइड करना है, यो हमने सोचना है, अक हमने अधोगति को जाना है, अक हमने उर्दोगति को जाना है। उर्दोगति गति मतलब अपनी अखंड उस परम तत्व को पा जाएंगे जो जिसलिए हमें संसार में आए हैं। तो परम तत्व को कद पा जाएंगे जब हम अपने ध्यान भगवान में लगाएंगे। तो भगवान में ध्यान लगाने के कितने रास्ते हैं, योग ध्यान है और भजन ध्यान है, विषयानंद ध्यान है, त्रिविध आनंद, विषयों का आनंद, विषयों द्वारा आनंद विषयानंद है, भजनानंद है, ब्रह्मानंद है। वो कैसे, अन्नमय कोष के माध्यम से विषयानंद प्राप्त कर सके हमें, और मनोमय कोष द्वारा भजनानंद प्राप्त कर सके हैं, विज्ञान में और आनंद में कोष। तो यो हमने सब ध्यान के द्वारा पता चलेगा जब हमें शक्ति भक्ति और मुक्ति, तो इन सबको जीवन के जो चार परमार्थ है ना, भुक्ति शक्ति मुक्ति और रक्ति, ये माध्यम है अध्यात्म के माध्यम से जब हमें ध्यान मांगेंगे, जब ही हम अपने परम तत्व को पाएंगे, उसे पूर्णात्मा को पाएंगे। तो छोटा सा रास्ता जो बताया गया है अपने महर्षि पत्री जी ने, हमें बहुत बहुत अच्छे रास्ते पर डाल लिया। पता नहीं कब उन्होंने सोचा होगा, कहां हमारे वो पिछले जन्म में हम छोटे से उनके पीछे पीछे चलते रहे होंगे। शायद नेटवर्क की समस्या आ रही है सर। शकुंतला जी का एक्चुअली नेटवर्क का इशू है, तो आप कंटिन्यू कीजिए। और आज हरियाणा दिवस है तो सरिता मैं प्लीज। हाँ जी जी सर, की शकुंतला मैडम बात। हाँ जी आ रही है। अच्छा आ रही है मैम। हाँ, तो मैं ये कह रही थी बीच में थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था। जब हमने हो सके किसी जीवन में हम रह गए होंगे, लाइन में लगे हुए रह गए होंगे, छुट गए होंगे हम, तो यो हमारा सौभाग्य रहा, हमारा अच्छा जीवन रहा। हमने इतने महान गुरुओं का सानिध्य मिला है इस जीवन में, तो यही सोचते हुए अब हमने इस मार्ग को पूरा प्रशस्त करना चाहिएगा, पूरा हमने इस मार्ग को इतना साफ सुथरा बना देना है सबके लिए, सारे इस पे हंसी खुशी चल पड़े। और इस मार्ग ने सुंदर हम कैसे बनाओगे, जो नए भाई बहनों को हम जोड़ेंगे ना इससे ध्यान से योग से, हमने उसके लिए यूं सोचना पड़ेगा, उसने हम कुछ इंटरेस्टिंग बनाना। क्योंकि आजकल क्या है, एक तो यो एड का जमाना आ गया, एक मतलब चमक दमक ने लोग ज्यादा पसंद करे हैं, और हमारा जो यो प्रोग्राम है ध्यान वाला योग वाला, थोड़ा थोड़ा पहले तो बिल्कुल बोरिंग समझे थे, अब थोड़ा थोड़ा ना इसमें लगे हैं लोग आने, हाँ भाई कुछ न कुछ तो है। यहाँ भी मैंने कई काफी लोगों को बताया ये बात कि हमारा ऐसे ऐसे पीएमसी हरियाणा चैनल है, भाई आप देखना जरूर, ध्यान करवाया जाता है। और अपना यहाँ अपने हमारे स्वामी जी स्वामी रामदेव जी तो ध्यान करवाते ही हैं, तो एक अखंड ध्यान मखा उस पर चलता है, आप मखा जरूर यूट्यूब से जुड़ना। तो कई लोगों ने देखा भी अच्छा लगा, तो इस तरह से हमें चारों तरफ ये चलाएंगे अच्छे अच्छे अभियान। तो एक है यद यद भावम तद भवति, मतलब हमारे जैसे विचार होंगे ना उसी प्रकार का निर्माण होगा।
वो किस तरह विनाशकारक विचारों से क्या होगा, विनाशकारी परिणाम होंगे, और निराशात्मक जो विचार होंगे उन तय निराशाजनक परिणाम होंगे, और आशापूर्ण जो आशापूर्ण विचार होंगे उसमें हमें आशादी परिणाम पाएंगे, और चमत्कारी परिणाम विचारों से जैसे विचार होंगे मतलब चमत्कार तो अद्भुत परिणाम, चमत्कारी विचार किस तरह, भाई हमने ध्यान में ना वो देख लिया हम तो पिछले जीवन में क्या थे और हमने किस तरह हमें अच्छा इतने जन्म पाए जितने जब भगवान ने सृष्टि रची होगी जब भी हम थे भाई, उसके बाद अगले जीवन में भी हम कुछ न कुछ थे हम, मतलब भगवान जब भी भगवान आया जब हम उसके साथ साथ थे और आज भी हम उसके साथ ही हैं, बस ये पहचानने की देर है, ये पहचान नहीं पाते, इसीलिए हम ही थोड़ी बहुत चमत्कारों की बात भी करेंगे, भाई हमने तो इस तरह देख लिया है, और चमत्कार कौन सा झूठे हैं, जैसे संगीता मैडम ने तो सच में देख लिया अर्जुन से ज्यादा ध्यान में पहुंच रहे हैं, उच्च कोटि के ध्यान में पहुंच रहे हैं, उन्होंने तो बिल्कुल देख लिया, अपने सारे जीवन भी देख लिए, हमारा भी रह रहा है कसर, हम तो पीछे हैं, इतना नहीं पहुंच पाए, बस न्यू उम्मीद है भाई कभी न कभी तो हम भी पहुंचेंगे, कभी न कभी तो पहुंचेंगे, उम्मीद तय, मतलब देखो उम्मीद तय दुनिया कायम है, या तो बात दुनिया कहती आ रही है, तो जब तक यह इच्छा हमारे मन में नहीं होगी ना, हमारा विश्वास जितना गहरा होगा उतना ही हमारे विचार और हमारा उत्साह भी उतना ही गहरा होगा, तो हमने यो विश्वास है खुद भी करना पड़ेगा और दूसरा ते भी दिलाना पड़ेगा, हमने यो विचार जब तक नहीं दिलाएंगे खुद ने, पहले तो हमने खुद ने दिलाना है फिर हम दूसरे ने दिलाओगे, अग भाई हम तो यो पूरा पूरा ध्यान करेंगे और इस तरह हम अपने जीवन को देख लेंगे, हम पीछे भी अपने क्या थे कैसे थे, क्योंकि लोग है ना चमत्कारों पर घने विश्वास करे हैं, एक सीधी सादी बात बताओ ना उसमें लोग विश्वास नहीं करते, तो हमें इसमें मन को निरंतर लगातार अपने मन को निरंतर निर्देशन में लाते हुए हमें और उसको वश में लाते हुए केवल हमें ध्यान में निर्वाण की स्थिति में जाएंगे, वो जैसे कि ज्ञान की बात है संगीता मैडम हमने बताती रहती है, तो इस प्रकार से हमें उस स्थिति में जब जावेंगे, अभी तो बहुत दूर है, डगर बड़ी लंबी है, इसलिए चलना जरूर है, इस डगर पर चलते चलते रुकना नहीं है थकना नहीं है, हमने विश्वास के साथ इस पर चलना पड़ेगा, और इसी बात को देखते हुए भाई ट्यूनिंग करके यो जीवन चलाना है, ट्यूनिंग करके हमने ध्यान की अपने अध्यात्म की हमने योग की हमने सारी ये मिला जुला कर ट्यूनिंग करनी है, अपने खान पान की अपने जीवनचर्या की हमने सुबह से शाम तक कैसे जीवन जीना है हमने उसका टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, नहीं तो न्यू तो सब कह दे हैं हमने तो टाइम नहीं ध्यान करने का हमने टाइम नहीं योग करने का, लेकिन जब कैसे हो जाए जब इतना इतना टाइम कैसे निकल जाए जब कुछ भी दिक्कत आ जाए कुछ परेशानी आ जाए कुछ बीमारी आ जाए, हमारी ये लगा ले मेरी खुद की लगा ले, मैं मतलब इतना योग करती हूँ प्राणायाम करती हूँ मेरे को काफी साल हो गए, लेकिन जीवन में ऐसा टाइम आ जाता है जब अब मेरे को 20 दिन यहाँ पे हूँ, और जबकि घर में रहते हैं तो एक दिन भी यूं होता है रिश्तेदार कभी मम्मी बुला ले हैं अकाजियो भाई कहाँ टाइम को नहीं, बस टाइम नहीं हमने वो टाइम जब लिखड़ा हुआ है जब हमारा कोई घनी बड़ी दिक्कत आ जाए, जब तो फिर हमने बेरा ही नहीं पड़ता टाइम का वो कहाँ था यार कहाँ चला गया, फिर सब कुछ छूट जाए फिर घर भी छूट जाए वह सारे काम भी छूट जाए वह सारी ड्यूटी भी छूट जाए, हमारा कैसे घर संभलेगा, तो इसलिए हमने पहले तो ये सतर्क रहना पड़ेगा, हमने पहले तो ये अपना जीवन सुधारना पड़ेगा, अपने जीवन के ऊंच नीच कैसे हमारे साथ है क्या हो सकता है, हमने हर समय ना जागरूकता में रहना है, मेन बात यह है हर टाइम हमने जागरूकता में रहना है, हमने सवेरे तक क्या करना चाहिए हमने कैसे जीवन जीना चाहिए हमने कब ध्यान करना चाहिए, ये ध्यान में जब बैठेंगे जब होगा वैसे तो कुछ होता नहीं, यूं तो बस रोटी खाई सो गए घर के काम कर लिए सबकी बस वाह जिंदगी चल रही है, ऐसे तो जीवन हर प्राणी जी रहा है, लेकिन इंसान को भगवान ने क्यों बनाया है, वो इसीलिए बनाया है उसके अंदर बुद्धि इसीलिए डाली है इसीलिए उसके अंदर विवेक डाला है, अक्त ने न्यू सोचना है भाई तू क्यों आया था के करना आया था, वे सारे जीव जंतु वे प्राणी भी तेरी कहानी देखने लग रहे हैं, अक्तू कुछ अलग है बाकी तो सारे
बेचारे अपने चल रहे हैं, भगवान ने अच्छी सी जिंदगी दे रखी है, लेकिन इंसान के है ज्यादा चलाकी उसके अंदर, ज्यादा काम करने का उसके अंदर, ज्यादा लालच भी उसके अंदर, ज्यादा मोह भी उसके अंदर, मतलब हर चीज इस इंसान के अंदर ही है। और फिर इसके अंदर ही दुनिया भर का ज्ञान भी है, चीज है वो तो सुधारना भी आना पड़ेगा। जीवन का आधा टाइम तो नहीं मैं हेलो हाँ आ रही है आवाज? हाँ जी आ रही है। अच्छा मतलब आधी जिंदगी तो इंसान ना के नुआ चली जा है, समझ में नहीं आता, बस जिंदगी को डोवे है आग भाई कर लिए, ये जीवन के काम थे मारे तो खाना पकाना, रोटी बनानी खानी और कमाई करनी, पैसे कमाने जोड़ जोड़ का धरने, और बस नुए जिंदगी चली जा है, कुछ नहीं सोचने पाते। और जब लास्ट के दिन आ जाए ना, जब उम्र का आखिरी पड़ाव आ जाए, जब न्यू करे हे भगवान तने यू कर दिया तने वो कर दिया, इसका बढ़िया पहले संभाल लो। और अब तो यही इतने अच्छे अच्छे रास्ते मिल गए, आके इस फोन न लोग यूं ही बिना बात में खेल रहे थे, पता नहीं के अपना मूवी देखना ये वो फालतू के चीज करया करते, ये भी इतनी अच्छी अच्छी चीज चला दी सुमित भाई ने, संगीता मैडम ने इतने बढ़िया बढ़िया चैनल चला दिया, इसमें ध्यान करो योग करो, आजकल सारी चीज ऑनलाइन चल रही है भाई, इस कोरोना ने सब घर में बिठा दिए थे, आम तो नहीं कोरोना ने हमारा तो बहुत फायदा कर दिया, अगर भाई कब तक हम ध्यान तो जुड़ गए, चलो योग तो पहले जुड़े रहे थे, थोड़ा बहुत ध्यान भी करया करें थे, लेकिन योग अध्यात्म के रास्ते पर यू ध्यान भी क्या हुआ, जो मतलब मन में एक जिज्ञासा थी ना बचपन तय भाई वो कहाँ हुआ है, वो कहाँ है, वो चीज जानने की एक जिज्ञासा थी बहुत गहरी, पहले तो यूं लगे करता नहीं जीवन तो कुछ और है, मतलब है मेरे मन में पहले तो यह जिज्ञासा थी, सीमा पुराण भी पढ़ ली थी पता नहीं के भाई वो था नहीं मन, मतलब मन में ना एक तृप्ति नहीं हुई थी, कुछ तो है अलग, कुछ तो है अलग जो मन करना है, वो अलग क्या था वो जब समझ में आया, मतलब एक टाइम ऐसा था कि मैं मरने की कगार पर थी, लेकिन मरना तो मैंने है नहीं, मैंने तो पता नहीं कुछ करना है अभी, मेरे को इतना अटल विश्वास था कि भाई मरना नहीं अभी तो कुछ ना कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, और वो ऐसा ही हुआ देख लो, मतलब एक तो ये इतनी अच्छा रास्ता हमने मिला इसमें, मतलब बहुत लोगों को मैं योग के द्वारा ठीक कर चुकी हूँ, इतनी मतलब पॉजिटिव वाइब्रेशन देती हूँ मैं, आके लोग जो जितने मतलब ज्यादा से ज्यादा वो हो चुके होते हैं ना जीवन से हार मान चुके होते हैं, वे भी मतलब जीवन जीने की एक नई चमक उनके अंदर आ जाती है, और ऊपर तय ध्यान अब इसमें भाई क्या करना था, हमने जीवन को क्या ढूंढना था, हमने क्या करना था, वह जिज्ञासा अब खत्म होगी, अब शांत होगी, न्यू है मतलब इतना ज्यादा टाइम नहीं मिल पाया ध्यान के लिए, अखंड ध्यान जब वो चला था ना पितृपक्ष में वो वाला पूरा करा था, उसके बाद फिर यो लॉकडाउन खुल गया थोड़ा बहुत, फिर अपनी पार्क में शुरू होगी, वहां पर योग क्लास में जाना शुरू कर दिया, वहां भी मतलब लास्ट के 10 मिनट ध्यान योग करवाना था मेरे को डेली, मैंने ये सही कर रखा था सिस्टम बना रखा था, एक बार बीच में हमने 5-10 मिनट का ध्यान योग, लास्ट में फिर हमने ध्यान योग करना था सूर्य त्राटक के साथ, तो अब जीवन में इतने अच्छे अच्छे ये अनुभव आगे और ज्यादा इसमें जानने की, जिस तरह कोई चीज एक बार करण लग जाओ ना उसमें और ज्यादा घुसते जाते हैं इंसान, तो और ज्यादा जानने की वो जिज्ञासा है ना मन में भाई, हमने उस परम तत्व को पाना है, हमने वहां पर पहुंचना है उस पूर्णात्मा परमात्मा तक, वो प्राप्त वो हमने नित्य जागृति के द्वारा नित्य ध्यान के द्वारा वहां तक परम तत्व को हमने पाना है, और वो निर्वाण की स्थिति में हमने जाना है,
अब हमने इतना मतलब हो गया। सॉरी शकुंतला मैम, अब तो हमने वह मिलेगी। शकुंतला मैम सॉरी फॉर बीच में डिस्टर्ब किया, एक्चुअली आपका टाइम हो चुका है, तो हमारे अगले वक्ता भी आप 2 मिनट में अपना समाप्त कर सकते हो, 2 मिनट आप टाइम ले सकते हो। हो गया बस मेरा तो, धन्यवाद आपने सब लोगों ने मेरे को सुना, और अगर मेरे से कोई भी छोटी मोटी त्रुटि रही हो तो प्लीज माफ कर देना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम भी थी, तो बड़ी मुश्किलों से मैंने ये किया है। तो फिर कभी मौका मिलेगा तो बाकी का बाद में। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी ग्रैंड मास्टर्स, एस्टल मास्टर्स, खासकर संगीता मैडम, सुमित भाई और सरिता मैडम, ये इतना अच्छा होस्ट करती है। मैं तो कह रही थी एक बीच में एक दो बार जुड़ती हूँ मैं, लेकिन वो कनेक्शन कभी अच्छा करती हैं, एकदम जान डाल देती हैं प्रोग्राम में। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते, शुक्रिया। धन्यवाद शकुंतला जी, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई आपने, और शब्द आपने जो बात की शुरुआत करी भी, हम जीवन जिए जा है, हमारी ध्यान गैस पर रोटी पर हो है, लेकिन आसपास जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको तो हम कभी देखते ही कौन है, उन पर तो कभी ध्यान रहना जाता, मतलब अपने काम में भी जी रहे हैं। कहना संगीता मैडम का तड़के मशीन ला कर बैठ जा है, और बराबर में क्या हो रहा है, कुत्ता बिल्ली भूखा है, गाय भारत भूखी जा रही है, वो कुछ ज्ञान नहीं है, हमने अपनी धुन में लागे रहे हैं। तो मतलब ये काम तो करने ही है, लेकिन अपने आसपास भी ध्यान रखना है, अपने प्रकृति ने भी देखना है, जीव जंतुओं पर भी ध्यान देना है। तो यह बात आपने शुरुआत बड़ी अच्छी करी, और ऊपर तक जब वो कम वाला किस्सा बताया तो सच में ये लगा भी धरती पर कुछ बाकी है। दूसरा मैडम, जैसे आपने बताया कि ध्यान के द्वारा ही हम जो अंदर की जागृति है वो चेतना हमारी जागृत रहती है, तो ध्यान के द्वारा हम, ये बात तो बिल्कुल सही है, ध्यान के द्वारा हम अंदर से जुड़े रहते हैं, सारे काम करते रहते हैं, फिर भी अंदर लग रहा है कि भी कोई शक्ति हमारे साथ चल रही है, अंदर से जुड़े हुए हम, और ध्यान करें तो जीवन में नियम भी आवे, तभी पता चला भी, और मान लिया हमने एक नियम बना लिया भी 1 घंटा ध्यान करना, उस 1 घंटे खातिर के सारे काम हमने बैलेंस करने पड़े। तो नियम अपने, एक मिनट बोलना चाहूंगी, आवाज आ रही होगी? हां जी आ रही है। हां जी, अनम्यूट करो, अनम्यूट कीजिए। वो मैं ये कह रही थी, मेरी बहन है ना, उसका नाम है कम्मो, वो भी आज जुड़ी होगी, मैंने उसको भेजा था लिंक, बल्कि 3-4 साल पहले की बात है ये, मैंने उसको बताया नहीं था। अब वो कहेगी अच्छा मेरा नाम रख दिया खाएगा, मेरे बच्चों ने रखा मम्मी, वो तेरी बहन आ गई, धीरे धीरे उसको कहने लगे मम्मी तेरी कम्मो आ गई। और इस तरह बहुत अच्छा लगता है ऐसे देख के ना, अपने आस पास के प्राणियों को देख के इतना सुंदर, मतलब अंदर से ना दिल बस गार्डन गार्डन हो जाता है। धन्यवाद। जब तन ठीक होगा, जब हमारा मन ठीक होगा, तन और मन ना हम योग और ध्यान के द्वारा स्वस्थ रख सके हैं, जब हम तन और मन से ठीक होंगे, भी आर्थिक व्यापार भी जब कर पाएंगे, जब हम कुछ काम कर पाएंगे, और दूसरा भी तन मन तो ठीक होंगे, जब तो समाज में व्यवहार बना पाएंगे। अब खुद बीमार है तड़के बुढ़ा रोना समूह बढ़ा ले तो कौन तुम्हारा तो बोलेगा, कौन हमने फिर क्या में शामिल करेगा, बचन की कोशिश करेंगे लोग, क्योंकि वही है भटकती आत्मा ते दुखी आत्मा ते सब बचना है चाहे। तो सामाजिक व्यवहार भी हमारा जब अच्छा बनेगा, जब हम तन मन से स्वस्थ होंगे, तन मन से स्वस्थ होंगे जब हम ध्यान करेंगे। और देखो आपने एक बात बताई कि कर्म करती रहना, देखो जो भी कर्म चाहे वो पूर्व जन्म के कर्म है या कुछ भी लगा लो, कर्म तो हमने मिले हैं, अगर वो खुशी खुशी करेंगे तो जल्दी कट जाएंगे, और रोते रोते करेंगे तो क्या तेरा फिर भुगतने पड़ जाएंगे। तो इसलिए जब कर्म करने ही है तो वो खुशी खुशी करो। और दूसरा भी यह बात आपने बिल्कुल पक्की बता दी कि अपना उद्धार हमने आपका करना है, किसी और के भरोसे नहीं, कोई ठाका हमने गाड़ी में बिठावेगा, खुद चढ़ कर जाना पड़ेगा, उसमें तो खुद चलना पड़ेगा, तो ये उद्धार तो हमने अपने आप पर करना है। दूसरा आपने बताया कि भी हम तो अच्छे रास्ते पर चल पड़े, हमने तो हाईवे मिल गया,
हम तो हाईवे पर चढ़ गए, लेकिन जो साथ में छोटे मोटे गांव है उन खातर छोटे छोटे अप्रोच रोड भी बनाने पड़ेंगे, तो उनको भी मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि भी जो छूट रहे हैं, जो लोग अभी ध्यान से दूर है, उन खातर हम खुद चल कर जाएंगे, उन खातर रास्ता बनाएंगे और उन नदी हाईवे पर लेकर आवेंगे। तो मैडम ये सारी बात आपने बताई, और दूसरा हमने उम्मीद नहीं छोड़नी, उम्मीद के साथ सब कुछ है, हमने यह भी उम्मीद है कि भी हम जिस रास्ते चल रहे हैं एक दिन जरूर मंजिल को पहुंचेंगे, और यह भी उम्मीद है जो हम दूसरा खातर रास्ता बनाने लग रहे हैं वह सारे भाई बहन भी हमारे साथ आवेंगे। तो इस उम्मीद के साथ मैं आज एक नई वक्ता को जोड़ रही हूँ कि भी वो भी हमारे ज्ञान में वृद्धि करेगी और वो भी कुछ ना कुछ नई बात बतावेगी। जो हमारी नई वक्ता है, अगली वक्ता है, वो है इशिता। और इशिता भी MS फाइनल ईयर की स्टूडेंट है, और मैंने के हाँ जी एक मिनट बस मैं शकुंतला मैम का थोड़ा थैंक्स करना चाहती हूँ कि कितनी इनोसेंटली इन्होंने अपनी बात को रखा, बाहर और भीतर जो एक होता है ना वो अपनी बातों को कैसे कितनी आसानी से रख देता है ना, जहाँ पे मन आता ही नहीं बीच में। जैसे मतलब आप जो बयान कर रहे थे कि आपो दीपो भव, अपना रास्ता तो हमें खुद ही बनाना है, आपो दीपो भव, अपना दिया हम खुद ही जला सकते हैं, कोई दूसरा नहीं जला सकता। क्रक्स ऑफ द स्टोरी जो शकुंतला मैडम ने बताया, और जब ध्यान आ जाता है तो हमें इन बातों की समझ आने लगती है कि जो ध्यान के बराबर में जैसे कहते हैं ना इक्वल है, तो एक प्लस एक इक्वल टू दो हो जाएंगे, एक और एक दो, ऐसे ही ध्यान इक्वल टू कर्म सिद्धांत। आप जो भी कुछ बोलते हो, जो भी कुछ सोचते हो, जो भी कुछ करते हो, वो कर्म सिद्धांत इक्वल टू ध्यान है। यानी कि ध्यान हमें जगाना सिखाता है कि हर क्षण हमें जागना है। और यो शकुंतला मैडम तो इतने मतलब लोगों ने जगान लाग रही है, यो जो जगान का काम ठेका ठा लिया है, पहला तो खुद जाग जाओ, पहला तो खुद आपो दीपो भव है, और फिर दूसरा का ठेका ठा लो, भाई ये लोक कल्याण का काम तो हमने ही करना है। क्यों? आत्मा तो हमने विमुक्त आत्मा, और विमुक्त आत्मा तो हमने के बनना है, परमात्मा बनना है। तो परमात्मा बनने खातर तो हमने ये काम करने पड़ेंगे, और ये आत्मा दिए किस खातर है। ईब आपकी एक बात जो फिर मैं खत्म करूंगी, जो आपने को तड़के तड़के मशीन लाले हैं, तड़के तड़के मेड आवेगी चाहे कोई काम करेगा, मतलब दरवाजे एक बख खोलेंगे न्यू जनू तो बेरा नहीं, मतलब इसमें भी जोर पड़ेगा, पर्दे हटाने में भी, खिड़की खोलने में भी, दरवाजे खोलने में भी, अरे खोल लो दरवाजे, हवा आओगी, रेत आओगा, थोड़ा बहुत सफाई हो जाओगी, डस्टिंग हो जाओगी, के है हाथ पाँ हिलेंगे है। तो कर्म इंद्रिय हमारी क्या किस खातर दे रखी है, पर बहुत सारे मैंने जगह पे मतलब पिछले 15 साल का मैं एक्सपीरियंस बताऊं, अभी जिस घर में जाओ उसके घर के दरवाजे खिड़की बंद, पाँव ही कोने खुले, फिर या ब्रह्मांड की ऊर्जा आवे कि क्यों कर, या ब्रह्मांड की ऊर्जा नहीं आवे, फिर नहीं कहोगे मारे इन्फेक्शन हो गया, स्किन डिजीज होगी है, फंगल इन्फेक्शन हो गया, प्रॉब्लम होगी है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो हम खुद में अपने आप में खुद ठीक कर सकते हैं, लेकिन हम इतने ज्यादा फंसी हो जाते हैं कि हम पता नहीं कहाँ यूं कहेंगे भाई दरवाजे नहीं खोलने, रेत बढ़ेगा, अरे रेत तो बढ़न खातर है, तड़के तो शांति है, अपना धूप आन दो, हवा आन दो, आराम तो बैठो, मेडिटेशन करो है, अच्छी अच्छी बात करो। तो ये बात बहुत जरूरी है जो शकुंतला मैडम ने मतलब अपनी भाषा में बहुत अच्छे तरीके से बताई। तो शकुंतला मैडम नतमस्तक हूं मैं, हम सब जो हैं आपने इतने अच्छे भाषा में बताया है, और आपका जो नेटवर्क भी कमजोर था, आप वहां रामदेव जी के पास जा रहे हो, फिर भी आपने इतने इनोसेंटली बताया, तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सरिता मैडम आप कंटिन्यू करो प्लीज। थैंक यू मैम। जो अगली स्पीकर है हमारी, जो अगली वक्ता है वो है इशिता, और इशिता BA MS फाइनल ईयर की स्टूडेंट है, और मैंने यह बात बताते आना खुशी हो रही है कि भी युवा पीढ़ी के अंदर इतनी जिज्ञासा है, वो जानना चाहे कि अध्यात्म होगा के, और दूसरी बात एक स्टूडेंट होने की निशानी भी
कोई भी चीज अपनाने से पहले उसने जांचो परखो उसने देखो विवाद तेरे सिद्धांत बखरे उतरे है या नहीं उतरे है। तो ये प्रयोग करण की प्रवृत्ति भी है इसी तरह में बहुत सारी चीजें उन्हें देखी है तो फिर प्रयोग करी और फिर अपने जीवन में अपनाई वो सब आज जो इसी तरह है वो बताएगी भी। जो एक तो ये स्वाध्याय सीरीज चल रही है इस स्वाध्याय तो हमने कर लिया आज पूरे 13 वक्ता हो गए हमारे साथ लेकिन यो होवे के है इसके भेद के हो है स्वाध्याय के भेद के हैं क्यों हैं वो सारी बात हमने इसी तरह बतावेगी। और उसके बाद एक कोजल बॉडी एंड ईगो बुक है उसमें जो भी नियम सिद्धांत बताए गए और वो सिद्धांत जीवन में कितने खरे उतरे हैं उसके जीवन के अनुभव तक कितने जुड़े हैं उसके जीवन के अनुभव में और ये बुक में लिखे सिद्धांत में कितना सामंजस्य है वो सारा आज सीता बतावेगी। और मतलब ध्यान तो सुनने की बात है वैसे तो अपना सारा कार्यक्रम भी ध्यान का है तो लेकिन जब एक्सपेरिमेंट और उनका के रिजल्ट निकले तो और मजा सा आवे है तो इसी तरह जल्दी तो आ जाओ और हम आपका इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू मैम। सभी को मेरी प्यार भरी राम राम और सभी को हरियाणा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम कॉजल बॉडी एंड ईगो पर चर्चा करेंगे तो उसके लिए स्क्रीन शेयर करते हैं। सुमित सर एक बार मेरी पीपीटी आप चला देते तो। सुमित सर जी बोलिए। सर मेरी पीपीटी आप चला देते एक बार तो। बिल्कुल श्योर अभी चलाता हूं। हां जी तो जो स्वाध्याय है वो स्वाध्याय है क्या? स्वाध्याय दो शब्दों के मेल से बना है स्व और अध्याय। खुद को जानना या खुद का अध्ययन करना। अब खुद को जानने से मतलब ये नहीं कि मैं इशिता हूँ बीएमएस फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ पानीपत में रहती हूँ नहीं कि मेरा यहाँ क्यों आई हूँ मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है मैं इस धरती पर क्यों आई हूँ। तो अब स्क्रीन शेयर मैंने पीपीटी बनाई है उसके माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। सर ये सेकंड स्लाइड जैसे कि मैंने बताया कि ये दो शब्दों के मेल से बना है स्व और अध्याय जिसका मतलब है खुद का अध्ययन करना और खुद को जानना। अब ये ज्ञान हमें कैसे प्राप्त होगा? सर नेक्स्ट स्लाइड। अब जैसे ये सोच रहा है कि मैं कैसे करूं स्वाध्याय की मुझे कैसे ज्ञान प्राप्त होगा कि मैं क्यों आया हूं मेरा उद्देश्य क्या है तो दो तरीके हैं इसके। नेक्स्ट स्लाइड सर। एक तो हम भली बातें जानते हैं ध्यान के द्वारा और एक है हमारे बुक्स के द्वारा। अब बुक्स भी हर बुक्स कई तरह की बुक्स हैं जैसे हम जानते हैं तो सभी बुक्स स्वाध्याय को लेकर नहीं जाती। कुछ बुक्स हैं जो हमें हमारी फिजिकल लाइफ जीने के लिए स्मूथली उसको कैसे जिए अपनी डिजायर्स को कैसे फुलफिल करें उसके बारे में बताएंगी जैसे पाक कला शास्त्र खाना कैसे बनेगा रसायन विज्ञान भौतिक विज्ञान ये हमारे को दुनिया के बारे में बताती हैं हमें खुद के बारे में नहीं बताती। तो यह स्वाध्याय नहीं हुआ कि आपने कोई बुक पढ़ ली हमारे जो कोर्स की बुक पढ़ ली तो उससे हमें स्वाध्याय हो जाएगा। नहीं उससे हमें स्वाध्याय नहीं होगा ये हमें हमारे जो भौतिक जीवन है उसकी शिक्षा देगी। तो अब स्वाध्याय को हमने कैसे समझना है जीवन को कैसे जीना है मन को कैसे संभालना है हमने पॉजिटिव कैसे रहना है उसकी अलग से जैसे अलग अलग बुक्स होती हैं जैसे बुक्स है ये कॉजल बॉडी एंड ईगो जिसकी आज हम चर्चा करेंगे या फिर डाइंग टू बी माई मी जो अनीता मुरजानी की है। तो हमें इन पुस्तकों से ऐसे तथ्य मिले हैं जिन तथ्यों के द्वारा हम खुद को नहीं जान सकते जो हमारी पुस्तकें हैं उनसे हम अपना आप को अध्ययन करेंगे। सर नेक्स्ट स्लाइड। अब जो पुस्तक का अध्ययन करना है उसके अंदर चार चीजें आएंगी शास्त्र का अध्ययन सूत्र अध्ययन साजन संगत और गुरु की वाणी।
तो जो अब शास्त्र और सूत्र का अध्ययन तो हम से हमें तथ्यों की प्राप्ति होगी, गुरु की वाणी को सुनने से हमें अपनी कमियों और खामियों का पता चलेगा, साजन संगत के द्वारा भी हम अपनी शंका को दूर कर सकते हैं, एक दूसरे के अनुभव जब हम एक दूसरे के साथ साझा करेंगे, घटित अवस्था पे जो शंका होगा तो फिर हम आपस में बातचीत करके उस शंका का निवारण प्राप्त कर सकेंगे। तो यही सब स्वाध्याय है और हम अपने विषय पर ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे और जो हमारे मन में डाउट्स हैं उसका उसको क्लियर कर पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड। अब स्वाध्याय के भेद, स्वाध्याय के 5 भेद है, वाचना, प्रच्छान, परावर्तन, अनुप्रेक्षा और धर्म कथा। ये 5 स्वाध्याय के भेद हैं, तो हम इन्हें क्रमबद्ध तरीके से जानेंगे और इनका जो जो एक सीक्वेंस है ना ये 5ों का, इसी को स्वाध्याय कहेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं वाचना। नेक्स्ट स्लाइड। वाचना जो है जागृत शक्ति, जो अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं उसके थ्रू 5ों को समझेंगे। जो कुछ हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, मतलब जो भी हम ग्रहण कर पा रहे हैं, जैसे ये सब बच्चे ग्रहण कर रहे हैं, उनकी टीचर उन्हें कुछ बता रही हैं, तो वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसको ग्रहण कर रहे हैं, तो ये है वाचना। ये वाचना है कि हम जागृत अवस्था में क्या ग्रहण कर रहे हैं। अब हम किसी विषय को ग्रहण कर लेंगे, जैसे हमने कहा कि एक एग्जाम्पल लेंगे, तो हमने जो 27 सोल लेसन सीखे उसमें से एक था एम्पथी। तो हमें ये बता दिया गया कि एम्पथी होता है और हमने मान लिया कि अब हमारे बड़े बता रहे हैं हमें तो ये ठीक ही होगा। उन्होंने बता दिया एम्पथी इज बेटर देन सिंपथी। तो अब हमें दोनों वर्ड्स का शाब्दिक अर्थ पता है लेकिन हम उसके लाक्षणिक अर्थ नहीं जान पा रहे, लेकिन हम बस चुप हैं कि ठीक है हमें बता दिया है ये है तो मतलब है। लेकिन जब हमारे अंदर मन में शंका है लेकिन कि ये है क्या, ये मतलब मान तो लिया है लेकिन ये क्लियर नहीं है कि ये है क्या, तो ये शंका जो है ये हमें अंदर ही अंदर खोखला करेगी और किसी के सामने एम्पथी दिखा रहे हैं या सिंपथी दिखा रहे हैं ये हमें क्लियर नहीं होगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो अगर हम किसी से क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे हमें बताया कि एम्पथी और सिंपथी है, एम्पथी सिंपथी से बेटर है, तो जब हमने पूछा कि ये है क्या, सिंपथी है क्या, तो हमें पता चला कि सीइंग विद द आईज ऑफ अनदर, जो दूसरे महसूस कर रहे हैं या जो दूसरे देख रहे हैं उनकी आंखों से देखना, जो दूसरे सुन पा रहे हैं उसको हमने सुनना, और जो दूसरे महसूस कर पा रहे हैं उनके दिल में जो है उसको महसूस करना, ये सिंपथी है। अब हमें ये बात पता कैसे चली कि ये जो सिंपथी की और एम्पथी की जो बात थी, एम्पथी बेटर है ये हमने मान लिया, लेकिन हमें ये तब पता चला कि जब हमने पूछा मतलब प्रच्छान, जो हमारा दूसरा भेद है प्रच्छान। नेक्स्ट स्लाइड। प्रच्छान, जैसे ये बच्चा आपको दिख रहा है, ये अपनी जैसे टीचर ने उन सबको बताया तो इसने पूछा कि मैम ये है क्या, तो उसका डाउट क्लियर हुआ, जो खोखलापन था वो दूर हुआ। नेक्स्ट स्लाइड। जो अब इसने ये बात सीख ली कि एम्पथी और सिंपथी है, तो एम्पथी किस तरह से बेटर है, तो अब जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये एक बच्चा दूसरे बच्चे की मदद कर रहा है, तो परावर्तन क्या है, टू रिफ्लेक्ट इन योर लाइफ, जो आपने सीखा उसको अपनी जिंदगी में ढालना। अब हमने जैसे एम्पथी लिया तो उसने अपना शंका दूर कर ली कि एम्पथी एक्चुअल में है क्या, और वो एम्पथी के सडन हेल्प कर रहा है, वो दूसरे बच्चे की हेल्प कर रहा है, उसकी परेशानी को देख पा रहा है कि वह छोटा है वो पेड़ पे नहीं चढ़ पाएगा, इसलिए उसकी मदद कर रहा है, जो जैसी वो सिचुएशन उत्पन्न हुई उसको अपना बुद्धि अप्लाई करी, तो वो है परावर्तन। अब परावर्तन का मतलब ये नहीं है कि रट्टा मारना, रट्टे का मतलब ये है कि शब्दों का संग्रह, हमारे दिमाग में वो शब्द इकट्ठे होते जाएंगे कि ऐसे होता है ऐसे होता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ शंका का जनन करेगा और व्यक्ति वर्तमान में नहीं जी पाएगा। जैसे कि हमने कभी दीमक लगी हुई लकड़ी देखी हो, तो वो बाहर से दिखने में बिल्कुल सही सलामत दिखेगी कि कोई नहीं है, लेकिन हम जैसे ही उसे छुएंगे वो बिल्कुल चूरा हो जाएगी। तो वैसे ही अगर हमें कुछ नहीं आएगा तो हम अंदर से खोखले होते रहेंगे और जो हमने सीखा उसका सिर्फ संग्रह करते रहेंगे, उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो परावर्तन यह, जो हमने सीखा, हमने अपनी शंका का निवारण करा, उसको हमने अप्लाई किया। नेक्स्ट है अनुप्रेक्षा। नेक्स्ट स्लाइड। अनुप्रेक्षा क्या है, सूक्ष्मतः ज्ञान प्राप्त करना। अब हमने ये जान लिया कि एम्पथी क्या है, हमने उसको अप्लाई करना भी सीख लिया, अब हमने उसको अपने भीतर से अपना लिया,
उसका सूक्ष्म निरीक्षण किया कि वह अब हमारे विचारों में व्याप्त हो गया है, कि जैसे हम ये बात जानते हैं कि जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम बोलते हैं, उस पे ही हमारे कर्म सिद्धांत लागू होते हैं। हम जो अगर किसी का बुरा सोच रहे हैं तो उस पे भी हमारे कर्म सिद्धांत लागू होंगे। लेकिन अब हम जानते हैं कि हमने बुरा नहीं सोचना, हमने सूक्ष्म निरीक्षण किया, हमारे विचारों में वह चीज व्याप्त हो गई, तो जो पुराने कर्म है वो भी उससे हटते रहेंगे और भीतर में हम कॉन्शियस रहेंगे, हम अवेयर रहेंगे कि हमने क्या बोलना है, क्या सोचना है और क्या एक्ट करना है। नेक्स्ट स्लाइड, धर्म कथा। अब धर्म कथा का मतलब ये नहीं है कि धार्मिक कथाओं को पढ़ने से या सुनने से हम स्वाध्याय कर पाएंगे, नहीं। आणाय मामगम धर्मम, अर्थात अपने स्वरूप में रहना, मतलब जैसे हम हैं वैसे ही रहना, अपने स्वयं की आज्ञा में जीना ही धर्म है। मतलब जैसे हम सोच रहे हैं कि हम जागृत अवस्था में हैं और जागृत अवस्था में जो कुछ भी किया जाएगा वही धर्म है। ये पांच भेद जो थे कर्मबद्ध तरीके से ही स्वाध्याय कहेंगे हम। जैसे मैं आपको एक बार ब्रीफिंग दे दूं, जो हमने कुछ देखा, हमने सुना, वो हो गया वाचन, पहला भेद। उस पर हमने अपने जो शंका थी वो प्रश्न करके उसको शंका को दूर किया, वो हुआ दूसरा भेद प्रच्छान। तीसरा भेद परावर्तन, उसको हमने अपने जीवन में अपनाया, वो हो गया तीसरा भेद परावर्तन। चौथा भेद क्या है, प्राप्त अनुभव, जो हमने अनुभव प्राप्त करे उसका सूक्ष्म निरीक्षण किया, अनुप्रेक्षा, और वो ही धर्म है और वो ही स्वाध्याय है, उसी से हमें स्वाध्याय होगा। नेक्स्ट स्लाइड सर। अब मैं जो हमारी बुक है कॉजल बॉडी एंड ईगो उसको शुरू करती हूँ। उसके बुक से पहले आपको एक एक्सपीरियंस बताती हूँ मैं मेरा। नेक्स्ट स्लाइड सर। जैसे आप ये देख रहे हैं कि बीच में बहुत सारे पेड़ हैं और इधर एक लेफ्ट साइड में एक जो इमोजी है ये उदास है और पेड़ के उस तरफ जो है वो खुश है। तो ऐसा ही कुछ मेरा एक्सपीरियंस है कि जामुन के जो वृक्ष हैं वो मुझे बहुत खुशी देते हैं। कैसे देते हैं, मैंने जैसे अब मैं फाइनल ईयर में हूँ, तो जब सेकंड ईयर में थी तो अब हम हर्बल गार्डन में जाया करते थे, एग्जाम से फ्रस्ट आउट होके हम हर्बल गार्डन में जाते थे फ्रीक करने। तो अब गए हैं तो सारा पूरा हर्बल गार्डन घूम लिया सब एक तरफ, और जब जामुन के पेड़ के 6 जामुन के पेड़ हमारे हर्बल गार्डन में लगे हुए हैं एक एरिया में, उस एरिया से जाना एक तरफ। तो अब ये 3-4 बार हुआ तो मुझे लगा कि पता नहीं ये क्या कोइंसिडेंस है या क्या है, कुछ समझ नहीं आया। तो फिर मैंने एक दिन ऐसे किया कि मैं उल्टी दिशा में चली, मतलब जामुन के पेड़ में मैं सबसे लास्ट में जाती थी ना, वहां सबसे पहले गई, तो मतलब मुझे आगे और हर्बल गार्डन में घूमने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो उसी एरिया में मेरे को इतनी खुशी मिली, मैं इतनी रिलैक्स हुई कि फिर मैंने सोचा कि ये या तो ये वहां पे ना 2 कांचनार के पेड़ हैं, भांग लगी हुई थी उस टाइम, तो मुझे ये समझ नहीं आया कि ये मेरे को खुशी दे कौन रहा है, कि कौन सा प्लांट है जो मुझे खुशी दे रहा है। तो उसी दिन अगले दिन कोइंसिडेंसली क्या हुआ, मैंने एक बुक देखी, नक्षत्र वाटिका करके बुक थी, उसमें लिखा हुआ था कि जो आई अल्फाबेट है, मतलब इशिता का जो आई है उसके रेलिवेंट जामुन का पेड़ है। तो फिर मैंने एक दिन और एक्सपेरिमेंट किया कि मैं ऐसी जगह पे गई जहाँ सिर्फ एक जामुन का पेड़ था, मतलब उसके सिर्फ गुजरने से ही मुझे इतना रिलैक्स महसूस हुआ और इतनी खुशी हुई कि ये कैसे हुआ कुछ समझ नहीं आया। तो फिर ऐसे ही जब ये एक्सपीरियंस मैंने साजन संगत, जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि ये भी स्वाध्याय का एक तरीका है, तो वैसे ही देखा तो मुझे पता चला नक्षत्र वाइज प्लांट्स होते हैं और मिनी गॉड्स होते हैं, प्लांट्स के मिनी गॉड्स होते हैं जो हमें, जो हमारी खुशी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो हमें खुशी दे रहे हैं। तो जो ये मिनी गॉड्स वाली बात है वो मुझे पता चली, तो फिर ये बात है हमारी इसी बुक कॉजल बॉडी एंड ईगो में। तो इसी के साथ मैं आपको इस बुक के कुछ चैप्टर्स बताऊंगी और ये मिनी गॉड्स की बात भी आएगी इसमें। तो हम स्टार्ट करते हैं कॉजल बॉडी एंड ईगो, जिसके कुछ चैप्टर्स हम आज डील करेंगे। बात हम डील करेंगे कि इंडिविजुअल सोल में कैसे परिवर्तन होते हैं, एक इंडिविजुअल सोल कैसे बनती है, वहां तक हम आज डील करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड सर। तो जो कॉजल बॉडी एंड ईगो है उसके ऑथर है आर्थर ई पॉल। तो सबसे पहले हम ऑथर के बारे में ही बात करेंगे कि आर्थर ई पॉल क्या है, कौन है, किस तरह से उन्होंने काम किया। नेक्स्ट स्लाइड सर। जो ये आर्थर ई पॉल है, इनका जन्म 27 सितंबर 1882 में हुआ। ये थियोसोफिस्ट थे जो, जिनकी बुक्स जो है 1990s के टाइम में पब्लिश हुई थी, उन्होंने मेजरली सी डब्ल्यू लेडबीटर और एनी बेसेंट के जो काम थे उनको कंपाइल किया था,
और ये वेजिटेरियनिज्म को प्रमोट करते थे और अल्कोहल मीट टी के उसको अवॉइड करने के लिए लोगों को प्रेरित करते थे। इनकी कई बुक्स हैं जैसे कि इथरिक डबल, मेंटल बॉडी, सोलर सिस्टम, रीबर्थ, चक्रास, स्लीप लाइफ और एक हमारी कॉजल बॉडी एंड ईगो जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड सर। तो इसका एक ब्रीफिंग दूं मैं आपको, तो ये एक बहुत ही जिसको कहेंगे ना एक्सीलेंट और ब्रिलियंट कंपाइलेशन वर्क है जो ऑथरी पॉल ने किया है, जिसमें मेनली डील करेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ बॉडीज ऑफ मैन। तो अब ये किसे कंपाइल किया है, तो ये जो कॉजल बॉडी एंड ईगो बुक है ये एनी बेसेंट और सी डब्ल्यू लेडबीटर द्वारा लिखे गए 40 वॉल्यूम्स को कंपाइल करके उन्होंने एक अप्रोप्रिएट डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना के उन्हें कंपाइल किया है। इसके साथ साथ में हमें इंफॉर्मेशन इस बुक में ये भी मिलेगी कि प्लेन्स कितने हैं, वर्ल्ड्स कितने हैं, वर्ल्ड्स के बारे में जो मैन की चार बॉडीज के साथ एसोसिएटेड है उन सब के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और इस बुक में 2/3 डायग्राम्स तो जो है वो जो कंपाइलेशन है उनके ओरिजिनल है, बाकी सर ने एक्सप्लेन किए हैं जो थोड़ी मॉडिफिकेशन के साथ ताकि कॉन्सेप्ट को बेटर समझाया जा सके। अब जो इसके पहले 3 वॉल्यूम्स थे कॉजल बॉडी एंड ईगो के, इथरिक डबल से पहले 3 वॉल्यूम थे इथरिक डबल, एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी, उसी के कॉन्टिन्यूशन में ये बुक कंपाइल फॉर्म में बनाया है। जो मेंटल बॉडी जो हमारी इमोशनल फीलिंग है, हमारी ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, मतलब जो सूक्ष्म पार्ट है उनको लेके कंपाइल किया गया। तो जो 3 व्हीकल बताए हैं मैं आपको सबको बताऊंगी कि व्हीकल क्या है, पर्सनैलिटी क्या है जिसमें मैन एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, उसकी फंक्शनिंग क्या है, उसकी फंक्शनिंग का मेथड क्या है, ग्रोथ का पैटर्न क्या है, डेथ क्या है और उसके बाद वो फिर से फॉर्मेशन कैसी होती है और वो पैटर्न क्या है, और जो मैन की इवोल्यूशन है वो कैसे होती है, परमानेंट एटम क्या है, मेंटल बॉडी, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। जब मैन की कॉजल बॉडी के बारे में पता चला तो ऑर्थरी पॉल बताते हैं कि मैन के इवोल्यूशन की तरफ एक बड़ा कदम लिया, तो पता चला कि इथरिक, एस्ट्रल और मेंटल बॉडी जो है वो सिर्फ एक इनकार्नेशन तक रहती है, बट जो कॉजल बॉडी है वो इमोर्टल है, मतलब वो पूरे इवोल्यूशन में रहती है, चाहे कितने ही बार जन्म हो, चाहे कितनी ही बार मृत्यु हो, लेकिन हम इसे ना इमोर्टल नहीं, इसको हम रिलेटिव इमोर्टल कहेंगे, क्योंकि जब जो नॉर्मल ह्यूमन से जब उसका इवोल्यूशन सुपर ह्यूमन में हो जाता है तब ये कॉजल बॉडी छोड़ देंगे, जो जब ह्यूमन से सुपर ह्यूमन की तरफ जाएंगे तब वो कॉजल बॉडी को छोड़ देंगे। अब अगर कॉजल बॉडी के साथ डील करना है तो एक इंसान की पर्सनैलिटी, मतलब जो पर्सनैलिटी का मतलब हम यहाँ लेंगे स्थूल शरीर से, तो हम स्थूल शरीर पर निर्भर नहीं रह सकते, हमें उस पर्सनैलिटी के व्हीकल, व्हीकल मतलब उसकी आत्मा को देखना है जो उस पर्सनैलिटी मतलब स्थूल शरीर को अपने इवोल्यूशन के लिए यूज कर रही है। अब जैसे हम डे टू डे लाइफ का एग्जांपल ले, तो अगर हमें आज किसी चीज की जरूरत है, किसी मशीन की जरूरत है, हमें कोई काम करना है, हमें मान लो कपड़ा ही बनाना है, हमें कपड़ा चाहिए, कपड़ा बनाने के लिए हमें एक मशीन की जरूरत है, जब हमारा कपड़ा बन जाएगा तो हम उस मशीन को फेंक देंगे, हमारे को उस मशीन को हम छोड़ देंगे कि अब हमारा कपड़ा बन गया है, अब इस मशीन की हमें कोई जरूरत नहीं है। तो उसी तरह से जो व्हीकल है, जो आत्मा है, वो पर्सनैलिटी को अपने, जब उसका इवोल्यूशन, एक इवोल्यूशन पूरा हुआ तो वो उस एक बॉडी को छोड़ देगी और दूसरी बॉडी में जाएगी। अब अगर किसी चीज की शुरुआत हुई है तो उसका एंड भी है, इसके लिए नहीं कि उसका एंड है इसलिए उस चीज की शुरुआत हुई है, उसमें जो घटनाएं घटित हुई हैं, जो हम उसकी घटनाएं हैं, तो जैसे कॉजल बॉडी पर्सनैलिटी के व्हीकल को यूज कर रही है, तो व्हीकल को यूज कर रही है वो आत्मा को यूज कर रही है, लेकिन उसके अंदर कुछ कॉन्शियसनेस भी है जो कॉजल बॉडी यूज कर रही है। तो जो ये दूसरी फॉर्म है कॉन्शियसनेस की वो है मोनैड्स, मोनैड्स को अभी के लिए आप जीवात्मा लेके चलिए कि वो जीवात्मा है। तो अब हम कॉजल बॉडी के फॉर्मेशन या जन्म की तरफ देखें तो एक नए सब्जेक्ट की तरफ हम जाते हैं जो है ग्रुप सोल्स। अब जो एक्चुअली जो ये ग्रुप सोल्स हैं के इवोल्यूशन से ही इंडिविजुअल सोल बनेगी जो हमारा व्हीकल है। अब एक ग्रुप सोल फिर दूसरे ग्रुप सोल में जाएंगे, कन्वर्ट होंगी, तीसरे में होंगी, फिर कहीं जाके एक इंडिविजुअल सोल बनेगी, एक इंडिविजुअल बनेगा जिसको हमने व्हीकल का नाम दिया है। अब जो ग्रुप सोल के ओरिजिन की तरफ जाए तो हम जहां पहुंचते हैं 3 ग्रेट आउटपोरिंग ऑफ डिवाइन लाइफ, जिसमें सभी फॉर्म आई है, चाहे वो मिनरल फॉर्म हो, वेजिटेबल फॉर्म हो, प्लांट फॉर्म हो, मतलब ये एक सीक्वेंस है, पहले मिनरल आएगा, फिर उसके बाद वो मिनरल फॉर्म वेजिटेबल फॉर्म में इवॉल्व होगी, फिर वो प्लांट फॉर्म में, फिर वो एनिमल फॉर्म में, फिर कहीं जाके एक इंडिविजुअल सोल बनेगी।
तो अगर हम इस क्रम से गो थ्रू है, मतलब जो ये सीक्वेंस है उससे ग्रो थ्रू होंगे, तो हम फील्ड ऑफ इवोल्यूशन से लेकर मोनेड्स के आने तक, फिर मोनेड्स के आने पर डिफरेंट डिफरेंट किंगडम के निर्माण, फिर मटेरियल यूनिवर्स में, फिर ग्रुप सोल की डेवलपमेंट और उनके इवोल्यूशन से इंडिविजुअलाइजेशन की ओर तक आज हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम लेते हैं सबसे पहले फील्ड ऑफ इवोल्यूशन को। सर नेक्स्ट स्लाइड। फील्ड ऑफ इवोल्यूशन से मतलब है मटेरियल यूनिवर्स जिसमें इवोल्यूशन होगा। तो जो हमारे, जैसे हम जानते हैं ना कि सोलर सिस्टम में जो फील्ड ऑफ इवोल्यूशन है उसमें 7 प्लेन या 7 वर्ल्ड है, उनको ना हमने 3 ग्रुप में डिवाइड किया है, आदि, अनुपादक, आत्मा, बुद्धि, मनस, कर्म, काम और स्थूल। तो जो ये 3 ग्रुप्स में हमने डिवाइड किया है, तो जो इनके आदि और अनुपादक प्लेन है ना, उनके रेफरेंस में ऐसा माना जाता है कि ये ना सोलर सिस्टम के बनने से भी पहले से हैं। तो जो आदि प्लेन है ना, उसको एज अ स्पेस लेंगे, जैसे कि आप ये फर्स्ट आदि प्लेन्स में सिर्फ डॉट डॉट्स देख पा रहे हैं, ऊपर जो हमारा एक सर्कल है उसमें सिर्फ डॉट डॉट्स ही हैं, उसको जो हमने डॉट से रिप्रेजेंट किया है क्योंकि इसमें मैटर नहीं है इतना, इसमें सिर्फ और सिर्फ स्पेस कंसीडर करेंगे, उसमें मैटर अभी तक नहीं आया, इसलिए हम इसको डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो सेकंड स्टेज है अनुपादक प्लेन जो है, ये आपको लाइंस दिख रही होगी एक सर्कल के फॉर्म में, बीच में लाइंस है, तो जो ये अनुपादक प्लेन है उसे लाइन से सिंबलाइज किया गया है। इस प्लेन में जो मैटर है वो हर इंडिविजुअल की लाइफ के अकॉर्डिंग, उसके कॉन्शियसनेस के अकॉर्डिंग है, ऐसा हमने एक रफ आइडिया अभी लेके चल रहे हैं हम कि ये जो इंडिविजुअल लाइफ के अकॉर्डिंग उसके कॉन्शियसनेस के है। इसी को हम सिंबल्स की फॉर्म में ले तो कॉन्शियसनेस 3 फोल्ड है। सर नेक्स्ट स्लाइड। एक पर्टिकुलर साइट जैसे लोगोज है, मतलब अभी आप एक एरिया, लोगोज मतलब अभी के लिए एक एरिया लेके चले हो, एक लोगोज अपीयर हुआ, एक एरिया आया, उसके अंदर एक डॉट है, जो ये उसके अंदर ये जो डॉट्स है ये 3 डायरेक्शन में गई और उसकी कॉन्शियसनेस जो है उसको वापस अपने निर्धारित जगह पे वापस ले, जैसे ये 3 जगह पे गई तो ये वापस अपनी ही जगह पे आई। तो ये जो 3 पॉइंट्स है वो है विल, विजडम और एक्टिविटी। जो ये विल, विजडम और एक्टिविटी है ये हम अभी आगे डिटेल में देखेंगे। तो अब आप ये देख पा रहे हैं जो ये जो लास्ट वाला सर्कल है उसके अंदर एक बड़ा ट्रायंगल है, उस बड़े ट्रायंगल के अंदर 3 छोटे-छोटे ट्रायंगल्स और हैं। तो इन चारों ट्रायंगल्स को, एक बड़ा ट्रायंगल और 3 जो छोटे ट्रायंगल्स हैं, उसको कहेंगे हम कॉस्मिक क्वाड्रेंटरी। अब हम नेक्स्ट लेंगे यूनिट ऑफ कॉन्शियसनेस या मोनेड्स, जो हमने कहा था मोनेड्स करेंगे तो उस मोनेड्स को लेंगे हम। सर नेक्स्ट स्लाइड। तो जो मोनेड्स को डिस्क्राइब करते हुए उनका स्पार्क या उनको सुप्रीम फायर या डिवाइन फ्रेगमेंट के रूप में उसको कहा गया है, जो बहुत रेयर है और हर मोनेड एक दूसरे से भिन्न है। जो वो मोनेड्स है ना वो प्योर कॉन्शियसनेस है ना वो प्योर मैटर है। तो जो मोनेड है वो कॉन्शियसनेस और मैटर दोनों को मिला के हम क्या कहेंगे, वो है मोनेड्स। मतलब कॉन्शियसनेस और मैटर, ये जो दोनों का संगम है ना, वो है मोनेड्स। इंडियन फिलोसफी के अकॉर्डिंग हम उसको लेंगे जीवात्मा। तो जो मोनेड की जर्नी है ना वो फर्स्ट लोगों से शुरू होगी, मतलब आदि प्लेन से शुरू होंगी और फिर वो अपने जो एक लोगोस को फिलहाल के लिए एक पर्टिकुलर एरिया लेकर चलेंगे हम। तो जो मोनेड्स की रूट है ना वो तो आदि प्लेन में, जैसे आप ये देख रहे हैं नीचे छोटे छोटे ट्रायंगल्स हैं, उसकी जो एक उसके ऊपर से एक लाइन जा रही है, मतलब वो जो उसकी रूट है ना वो तो आदि प्लेन में है। मतलब इनके पास अभी कोई व्हीकल नहीं है, मतलब इनके पास अभी कोई व्हीकल मतलब हमारी आत्मा, आत्मा नहीं है अभी खुद को एक्सप्रेस करने के लिए। तो ये फर्स्ट लोगों से अपनी विल से, अपनी इच्छा शक्ति से, तो ये इवोल्यूशन के लिए, इंडिविजुअलाइजेशन के लिए जाने के लिए आए हैं। तो ये मोनेड्स ने, वो उनकी विल है, उनकी इच्छा शक्ति है कि मुझे इंडिविजुअलाइजेशन तक जाना है, एक इंडिविजुअल सोल बनना है। तो उनकी विल टू लिव और वी आर सेल्फ डिटरमिंड, ये उनका एक नारा है, कह सकते हैं हम उसको कि हमने जीना है और हम अपने आप को जानेंगे, ये मोनेड्स का मतलब एक चाहते हैं वो। तो मोनेड्स अभी तक तो अनुपादक प्लेन पर ही हैं, अब जो आगे, इससे आगे 5 प्लेन्स का निर्माण अभी तक नहीं हुआ, उसके बाद 5 प्लेन्स का निर्माण होगा। तो जो उसके लिए थर्ड लोगो, जो यूनिवर्सल माइंड है, वो मूल प्रकृति का काम करेगा और 3 क्वालिटी जो है सत्व, रज, तम, जिसे, सर नेक्स्ट स्लाइड, ये जैसे हम देख रहे हैं अभी 5 प्लेन की फॉर्मेशन होंगी अभी। तो जो सत्व, रज और तम है
जिनको हम कहेंगे रिदम, मोबिलिटी और इनर्शिया, इनके साथ स्टेबल से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में जाएगा, तो वो एक दूसरे के साथ कॉन्टिन्यू मोशन में रहेगी या आपस में कॉन्टिन्यू रिलेशन में रहेंगे वो। तो जो थर्ड लोगोस थे वो पांच प्लेन बनाएंगे, आत्मा, बुद्धि, मन, काम और स्थूल, ये बनाएंगे। थर्ड लोगो के एक्टिविटी के अंदर हर एक प्लेन के एटम नई पावर के साथ जागृत होंगे, मतलब वो आपस में आएंगे, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, फिर रिपेल होंगे, फिर अट्रैक्ट होंगे, फिर रिपेल होंगे, इसकी तरह ये एक मैटर की फॉर्म में बनेंगे। सिंपल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में ये चेंज होंगे और ये तब तक रहेंगे जब तक ये, इधर आप सबसे एक्सट्रीम राइट में देख रहे हैं कि ये पांच प्लेन्स बन गए, आत्मा, बुद्धि, मन, काम और सूल, इन पांचों के साथ साथ सब प्लेन्स ना बन जाए ना, तब तक ये आपस में अट्रैक्ट होंगे, फिर रिपेल होंगे, फिर अट्रैक्ट होंगे, फिर रिपेल होंगे, ताकि ये मॉलिक्यूल्स बनाएं। अब जब ये सब प्लेन्स बन गए हैं, इन प्लेन की सेकेंड लोगों के साथ एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, कि जो ऐसे कहेंगे ना कि अपने मूल के साथ सभी रहते हैं, तो वैसे ही सेकंड लोगोस के साथ ही एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी, जो फर्दर इंटीग्रेट होके ये मैटर बनाएंगे। सब प्लेन्स बन गए, अब सब प्लेन्स के बाद आएगी किंगडम ऑफ लाइफ का निर्माण होगा। सर नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, जो सब प्लेन्स का सेकंड लोगोस के साथ संबंध है ना, उसमें एक वेव आएगी, जो जिस वेव आई, एक जो एक संबंध के साथ वेव आई, उसको हम कहेंगे सेकंड आउटपोरिंग। जो सेकंड आउटपोरिंग है ना, ये स्लोली स्लोली ये वेव्स जो है ना वो नीचे आएगी, वो नीचे अलग अलग प्लेन और किंगडम से गुजरेगी और हर एक प्लेन पर इक्वल ड्यूरेशन के लिए रुकेगी। जैसे जैसे नीचे आ रही है तो हर एक प्लेन पे इक्वल ड्यूरेशन के लिए रुकेगी और एक चेन बनाती जाएगी, जिसे हम कहेंगे प्लेनेटरी चेन। तो जो वेव है वो कॉजल प्लेन का मैटर, जो प्लेन्स बने हैं और जो वेव आ रही है, वो कंबाइन होके अलग अलग लेवल बनाएंगे, जिसको कहेंगे फर्स्ट एलिमेंटल किंगडम। जैसे ये किंगडम के इधर आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट किंगडम। अब ये जो फर्स्ट एलिमेंट किंगडम है, वो सात सब डिविजन होंगे, जो ये फर्स्ट सब डिविजन दिख रहे हैं हमें, सब डिविजन, सात सब डिविजन है। जो फर्स्ट सब डिविजन हुआ वो सब प्लेन, जो हमारे सात प्लेन बने हैं ना, वो सात प्लेन फिर दो पार्ट्स में डिवाइड होंगे, एक हायर मेंटल जिसमें तीन सब प्लेन आएंगे और लोअर मेंटल जिसमें चार सब प्लेन आएंगे। तो ये जो सब प्लेन्स के अंदर ये सब डिविजन्स आएंगी, मतलब ये जो तीन हायर मेंटल के तीन है, इसके सात सब डिविजन है। तो जो फर्स्ट सब डिविजन है वो फर्स्ट सब प्लेन के साथ कॉरेस्पॉन्ड करेगा, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सब डिविजन जो है वो सेकेंड सब प्लेन के साथ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ सब डिविजन जो है वो थर्ड सब प्लेन के साथ रिजेम्बलेंस रखेंगे। और जो वेव है वो लगातार नीचे की ओर जाएगी। वेव के पास ऐसी क्षमता है कि वह एक लेवल पर, एक लेवल को परमानेंटली पकड़कर उससे उसे अपना पार्ट बना ले। जब वेव इस स्टेज पे आ जाएगा तब भी वह लोअर लेवल पर जाने का ट्राई करेगा और लोअर मेंटल तक जाएगा, और लोअर मेंटल पर जाने पर यह सेकेंड एलिमेंटल किंगडम बनेगा। जैसे ये लोअर मेंटल के इधर हम देख पा रहे हैं सेकेंड एलिमेंटल किंगडम, उस सेकेंड एलिमेंटल किंगडम के नाम से जाना जाएगा। अब इसके भी फर्स्ट की तरह सात सब डिविजन्स होंगे, तो जो फर्स्ट सब डिविजन है वो फोर्थ सब प्लेन के साथ रिजेम्बलेंस करेगा, सेकेंड और थर्ड सब डिविजन फिफ्थ सब प्लेन से, फोर्थ और फिफ्थ सब डिविजन सिक्स्थ सब प्लेन से, और सिक्स्थ और सेवन्थ सब डिविजन जो है वो सेवन्थ सब प्लेन से रिजेम्बलेंस करेगा। जो ये लाइफ है वो हायर मेंटल या कॉजल लेवल पर रहेगी, और जो आत्मा है या जो हम जिसे व्हीकल कह रहे हैं, जिसके द्वारा ये मैनिफेस्ट होगी, जो लाइफ है वो जो मैनिफेस्ट होगी वो लोअर मेंटल लेवल पे रहेगा। अब ये वेव कंटिन्यू नीचे की तरफ आ रही है, जो प्रेशर है उसकी वजह से ये प्रोसेस खुद से रिपीट होगा, और ये फिर खुद से रिपीट हो रहा है तो फिर ये अपने लिए एस्ट्रल मैटर लेगा और बनेगा थर्ड एलिमेंटल किंगडम। सर नेक्स्ट स्लाइड। जैसे ये मनस के उसमें आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट एलिमेंटल किंगडम, सेकंड एलिमेंटल किंगडम, अब हमारा थर्ड एलिमेंटल किंगडम भी पूरा बन चुका है। थर्ड एलिमेंटल किंगडम में टाइम बिताने के बाद जो लाइफ है वो खुद को पहचानेगी एज अ मिनरल किंगडम, और अपनी लाइफ को एक तरह से एनहेंस करके पूरे किंगडम को एनहेंस करेगी। मतलब अपने थर्ड एलिमेंटल किंगडम जो आया है वो एक किंगडम, मिनरल किंगडम के रूप में बन गई है, और उसमें अपने आप को देखेगी, और अपनी मतलब जैसे कहेंगे ना, अब वो एक रूप से दूसरे रूपांतर हो चुका है उसका। मिनरल किंगडम जैसे हमें नाम से ही पता चल रहा है, तो उसमें सारे मिनरल्स तो होंगे, लेकिन मिनरल्स के साथ साथ लिक्विड और गैसेस भी उसके अंदर रहेंगी। जो ये आउटपोरिंग है, जब वो मिनरल किंगडम के सेंट्रल पॉइंट तक, जब अब वो आ रही है तो वो सेंटर पॉइंट तक जब आएंगी ना,
तो उस पे कंटिन्यू डाउनवर्ड प्रेशर लग रहा है, तो वो मिनरल किंगडम के सेंटर में आके वो रुक जाएंगी, जैसे हम दे और ऊपर की ओर जाने, डाउनवर्ड कंटिन्यू लग रहा है, वो रुक के फिर ऊपर की तरफ प्रेशर लगाएंगी, पहले डाउनवर्ड डाउनवर्ड आ रही थी वो, फिर मिनरल किंगडम के सेंटर में जाने के बाद फिर वो ऊपर की तरफ प्रेशर लगाएंगी। अब जैसे हम मिनरल किंगडम को देख पा रहे हैं, मिनरल किंगडम की जो फुल विड्थ है या जो उसकी डेंसिटी है वो फिजिकल प्लेन पे है, जो इधर फिजिकल इथरिक काम मनस बुद्धि ये दिख रहा है, तो उसकी जो मतलब वो चौड़ा जो है ना वो फिजिकल प्लेन पे है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो लाइफ है उसकी डेंसिटी फिजिकल मैटर को फुल कंट्रोल कर रहा है, और इथरिक प्लेन पर वो नैरो हो रहा है, इथरिक प्लेन में जाके वो एक पिरामिड की शेप मतलब ऊपर की तरफ वो जा रहा है, तो वो नैरो हो रहा है, मतलब इथरिक मैटर पर फुल कंट्रोल इस किंगडम का नहीं है, इसका कंट्रोल फिजिकल किंगडम पे है, इथरिक पे इतना इसका कंट्रोल नहीं है। एस्ट्रल प्लेन का जो स्मॉल पोर्शन है उसको पेनिट्रेट कर रहा है, एस्ट्रल प्लेन को वो थोड़ा सा पेनिट्रेट कर रहा है, तो मतलब ये है कि इसके अंदर बिल्कुल स्मॉल कॉन्शियसनेस चेतन तत्व अभी इसमें इतना नहीं है, बिल्कुल नाम मात्र चेतन तत्व इसमें है। उसी तरह से अगर हम वेजिटेबल किंगडम का बैंड देखें तो जो फिजिकल और इथरिक प्लेन दोनों पर डेंस है, जो एस्ट्रल कॉन्शियसनेस है वो भी मिनरल किंगडम से ज्यादा है वेजिटेबल किंगडम में देखें तो हम, क्योंकि वेजिटेबल किंगडम में जो डिजायर्स हैं वो मिनरल किंगडम के कंपैरिजन में थोड़ी सी वेल डेवलप्ड है, मतलब उनके कंपैरिजन में थोड़ा सा उनका विकास और हो गया है। अब एनिमल किंगडम का जो बैंड देखें हम, एनिमल किंगडम जो उससे अगला बैंड है वो फुल्ली डेवलप्ड है लोअर एस्ट्रल सब प्लेन पर, जो इंडिकेट करता है कि एनिमल की जो डिजायर्स हैं, लोअर डिजायर मतलब हमारी तरह डिजायर नहीं करेंगे वो, जो उनकी थोड़ी सी छोटी मोटी इच्छाएं हैं उनको एक्सपीरियंस करने में वो सक्षम है, जो हायर सब प्लेन पर नैरो है तो वो ये बात बताती है कि वो हायर डिजायर के कैपेबल नहीं है, वो लोअर डिजायर के कैपेबल है। अब जो ह्यूमन किंगडम का बैंड है उसमें लोवेस्ट लेवल पर फुल विड्थ है, जो ये बताता है कि ह्यूमन की जो रीजनिंग की क्षमता है, तर्क वितर्क की क्षमता है वो फुल्ली डेवलप हो चुकी है, और जो लोअर मेंटल के हायर सब डिविजन है वहां पे भी बैंड नैरो है, कि हायर सब डिविजन पर जितनी रीजनिंग है वो अभी इतनी डेवलप नहीं हुई जितनी लोअर की है। जो हमारे ज्यादातर लोग हैं उनमें कॉन्शियसनेस थर्ड मेंटल सब प्लेन तक रहती है, उससे ज्यादा नहीं आती, लेकिन अगर हम निरंतर अभ्यास करें ना, जैसे कहते हैं करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, तो अगर निरंतर अभ्यास करें तो सेकंड या फर्स्ट मेंटल प्लेन तक भी वो जा सकती है। और जो ये हायर स्पिरिचुअल मैन है, जो ये सुपर ह्यूमन जिनको कहेंगे, उनकी कॉन्शियसनेस जो है ना वो कॉजल बॉडी के तो परे रह चुकी है, जैसे हमने पहले भी बताया था कि वो अगर सुपर ह्यूमन में जाती है तो वो कॉजल बॉडी को भी छोड़ देती है, तो उनकी बॉडी इतनी इवॉल्व हो चुकी है कि वो बुद्धि प्लेन पर फ्रीली फंक्शन कर सकता है, और उसकी कॉन्शियसनेस आत्म प्लेन पर होगी, जो वाइडेस्ट जो इनका सबसे वाइड पार्ट है वो सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस को इंडिकेट कर रहा है। सर नेक्स्ट स्लाइड, हायर ट्राइड। अब जो हमने सेकंड आउट पोरिंग की बात की थी वो पांच प्लेन में डिवाइड हुई, और उसके एलिमेंट जो थे वो दूसरे किंगडम है, उसके जो दूसरे किंगडम है वो भी एग्जिस्टेंस में आए, है ना, फिर बट उसके साथ साथ मोनेड्स की एक्टिविटी आई, वो भी इवोल्यूशन के लिए रेडी हैं, जो फिलहाल अनुपादक प्लेन पर वेट कर रहे हैं ताकि उनके लिए सारे प्लेन्स बन जाएं। जो मोनेड्स हैं वो फाइव फोल्ड यूनिवर्स से दूर रहकर सब देखते हैं, मतलब वे खुद ही प्लेन का निर्माण करते हैं, उसी में चेंजेस लाते हैं और उसको एक्सपीरियंस करते हैं। जो मोनेड्स है ना वो सात तरह के हैं, जिसको हम कहेंगे सेवन रेज ऑफ कॉन्शियसनेस, या कॉन्शियसनेस के तीन एस्पेक्ट हैं, विल विजडम और एक्टिविटी, मतलब इच्छा समझ और क्रिया, ये तीनों मैटर की क्वालिटी से रिजेंबल्स करेंगे, मतलब जैसे हम देखते हैं ना प्रकृति कैसी है बंदे की, वात तज है पित्त तज है, वैसे की सत्व रजतम या विल विजडम एक्टिविटी उसके अंदर कितनी है, उस तरह से सात टाइप के मोनेड्स बनेंगे। अभी आपस में रिजेंबल कैसे करेंगे, सर नेक्स्ट स्लाइड। तो ये सात तरह के बन गए, विल विजडम एक्टिविटी, किसी में विल ज्यादा है, किसी में विजडम ज्यादा है, फिर विजडम ज्यादा है तो सेकंड एस्पेक्ट पे विल है, तो इस तरह से सात तरह के मोनेड्स बनेंगे, जैसे ये नीचे भी है विल विजडम एक्टिविटी के उससे, और उसी से हमारा मैटर रिजेंबल करेंगे, जैसे पिछले स्लाइड में था सत्व रजतम जो हमारे फिजिकल उस पे है और जो हायर स्टेट में है, वो उसी से मोनेड्स भी सात तरह के, और उसी सात तरह से रिजेंबल के मैटर बनेंगे।
अभी आपस में रिजेंबल कैसे करेंगे, मोनेड्स में विल है, मतलब जो इच्छा है वो तमस गुण है, तमस गुण से रिजेंबलेंस करेगी, जिसका परिणाम है स्टेबिलिटी, पावर और पावर ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। और जो एक्टिविटी है वो मैटर को रिस्पॉन्स करने की प्रेरणा देगी, रज, जिसको हम रज लेंगे या मोबिलिटी। और जो विजडम है, विल, विजडम और एक्टिविटी जो थी वो मैटर को रिदम देंगे। हर मोनेड के कॉन्शियसनेस के तीन एस्पेक्ट है, जो 7 डिफरेंट टाइप के मोनेड्स को शो करेंगे। ये 3 एस्पेक्ट हैं और ये 7 तरह के मोनेड्स बन रहे हैं, जैसे हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग मैटर भी, मैटर में भी चेंजेस आएंगे। जो सेकेंड आउटपोरिंग है उनसे एलिमेंट और अदर किंगडम बनाने के साथ साथ उसमें इवॉल्व बींग को भी लाएंगे, मतलब डिफरेंट डेवलपमेंट स्टेज आएंगी, उन्हें एंजल्स कहा जाएगा, या हिंदू उनको देव कहते हैं और कई जगह उसे माइनर गॉड्स कहते हैं। तो वो हर किंगडम पे जो ग्रुप सोल्स हैं इन्हें सपोर्ट करेंगे और उनकी डेवलपमेंट में हेल्प करेंगी। जो ये माइनर गॉड्स हैं वो उस, मतलब माइनर गॉड्स क्या, माइनर गॉड क्या है, जो प्लांट किंगडम है, मान लो हमें प्लांट, जैसे हमने जामुन के पेड़ का एग्जाम्पल लिया था, तो जो प्लांट किंगडम है उन, उस एलिमेंट का जो एसेंस है, जो उस एलिमेंट, 3 एलिमेंट किंगडम बने, 3 एलिमेंट बने, तो उसका जो सार भाग होता है ना, सार भूत जो होता है, वो है हमारे माइनर गॉड्स। जो ये देवा या माइनर गॉड्स हैं वो मोनेड से, मतलब जिनसे उनकी उत्पत्ति हुई है, उनसे डायरेक्टली कॉन्टेक्टेड है। अब हमारे पास जो है देवा, जो अब वेव को गाइड करेंगे, जो हमारी वेव्स आ रही थी उनको ये गाइड करेंगे, और मोनेड्स के विल एस्पेक्ट से आत्मा के एटम तक, ताकि वो मोनेड से अटैच हो तो वो आत्मिक परमानेंट एटम बनेंगे। सर नेक्स्ट स्लाइड। सुमित सर, हाँ जी सुमित सर, जी मैम, हाँ जी सर, नेक्स्ट स्लाइड। सॉरी इशिता, टाइम हो चुका है, तो हम इसे कंटिन्यू आगे करें, अब हम मेडिटेशन करेंगे, तो ओके आप 2 मिनट में थोड़ा सा आप कवर कर दीजिए। ठीक है, तो जैसे हमने ग्रुप सोल्स की बात करी थी, प्लांट ग्रुप सोल्स, एनिमल ग्रुप सोल्स, और जो हमारे ग्रुप सोल्स की बात करी थी, तो वो ग्रुप सोल्स क्या है, जो प्लांट्स हैं वो आपस में ग्रुप्स में रहती हैं, वो एक जो अपना जो एक नेटवर्क में ग्रुप्स में रहेंगी, और वो उसी तरह से, अब जैसे हम एक एग्जांपल लें कि एक ग्लास पानी लिया हमने, उस एक ग्लास को अगर मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, 2 ग्लास पानी हाफ हाफ भर दिए, और एक में अगर हमने कोई कलर डाल दिया, कोई भी डाई डाल दिया, और फिर उस वो कलरफुल पानी हो गया, कलर्ड पानी हो गया, उसको वापस हम डालेंगे दूसरे पानी में, तो उससे क्या होगा, जो उसके कलर थे, कलर के कंटेंट थे, वो उस हाफ पानी में भी आ जाएंगे। तो वैसे ही क्या होता है, जो प्लांट्स है वो ग्रुप्स में रहेंगे। अब वो ग्रुप में रह रहे हैं, तो किसी एक प्लांट के साथ कोई एक्सपीरियंस हुआ, तो वो सिर्फ उसके साथ नहीं हुआ, वो पूरे जितना भी वो ग्रुप है ना उसके साथ एक्सपीरियंस हुआ, तो जो उस प्लांट ने एक्सपीरियंस किया वो पूरे ग्रुप ने एक्सपीरियंस किया, वो ही फिर जो एक्सपीरियंस है वो ही आगे इवॉल्व होगा, उसी एक्सपीरियंस के साथ वो आगे एनिमल ग्रुप सोल्स में जाएंगे। और वैसे ही जैसे अगर मान लो हमने किसी एनिमल को कोई आघात पहुंचाया, जो हमने आघात एनिमल को एक को पहुंचाया ना, वो सबके पास वो नेटवर्क के थ्रू मैसेज जाएगा, वो फिर उसी तरह से इवॉल्व होंगे, और फिर जब वो इंडिविजुअल सोल बनेंगी तो वो उसी टाइप के ह्यूमन बींग बनेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम ये कहें ना कि इंसान खराब है या इंसान दुश्मन है या इंसान अच्छे से बर्ताव नहीं करता, उसके जिम्मेदार हम खुद हैं, कि हम प्लांट के साथ और एनिमल के साथ जिस तरह से व्यवहार करेंगे वो उसी तरह के डेवलपमेंट होके, उनका इवोल्यूशन होके वो नेक्स्ट इंडिविजुअल बनेंगे। तो हमें प्लांट्स और एनिमल्स की रिस्पेक्ट करते हुए उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, ताकि जो आगे इवोल्यूशन होगा उसमें हमारे वो हमारे जो ह्यूमंस आएंगे वो हमारे साथ ही क्या हमारे साथ ही रहेंगे, तो हम अपने लिए ही, अपने जैसे आजकल सारे स्वार्थी हो गए हैं, तो स्वार्थ हमारा ही स्वार्थ के लिए हम उनके साथ अच्छा व्यवहार कर सकते हैं, और अगर दिल से ना करें तो कम से कम स्वार्थ से तो कर ही सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ, समझा तो ज्यादा नहीं पाई, तो जितना कोशिश करी वो आप सभी को समझ में आया होगा, और धन्यवाद। सरिता मैम, पहले मैं ही बोल दूं, इशिता तुम कहाँ से आई हो, कौन से वर्ल्ड की हो तुम?
मैम ये तो आपने आपसे ही सीखा है मैंने तो माल कर दिया भाई लव यू मेरी सबसे फेवरेट बुक है मतलब द कॉजल बॉडी एंड ईगो मेरी फेवरेट किताब है और जो तुमने आज समझाया है मतलब रियली इट इज अमेजिंग बहुत बढ़िया क्योंकि ये किताब अगर किसी ने किसी को समझ आ गई तो समझ लो जिंदगी का सारी चीजें समझ आ गई जिंदगी में कोई सवाल नहीं रहेगा किसी के पास कि जिंदगी का जो हिसाब किताब है मैथमेटिक्स है ये सारी बातें उसमें समझ आ जाएंगी मुझे लगता है कि मुझे कॉजल बॉडी एंड द ईगो को छोड़ देना चाहिए अब इस पुस्तक को और इशिता को यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म देना चाहिए किताब एक एक हिंदी में समझाने की अभी हम इस किताब को बहुत फास्ट चले हैं लेकिन हाँ। अगर हम इस किताब को बहुत धीरे धीरे चलेंगे तो इशिता ये बहुत अच्छी किताब है जिंदगी का सत्य बताने के लिए जिन्होंने मतलब 25 वॉल्यूम थे इसके 1923 में लिखी गई थी और इन 1923 में जब लिखी थी 25 वॉल्यूम और ये पांच जो हैं हमारे ऑथर्स थे सी डब्ल्यू लीडबीटर और साथ में ऑर्थरी पौल है ना एनी बेसेंट है तो एच पी बेलेवेट्स की हैं तो ये ऑथर ने सारी बातें ऐसी बताई हैं और इन्होंने सबसे बड़ी बात जो मुझे ये इतने प्यारे लगते हैं सारे ऑथर क्योंकि इन्होंने अपना जिक्र कहीं नहीं करा इन्होंने सरिता मैडम इन्होंने क्या किया है इन्होंने जीवन का उस प्रकृति का सत्य बताया है इन्होंने अपना नाम कहीं नहीं लिया तो देखो एक दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो अपना नाम नहीं लेकर जिन्होंने 25 वॉल्यूम कर दिए और ऑर्थर ई पौल ने फिर चार पुस्तक निकाल दी इसकी कॉजल बॉडी एंड द ईगो है ना एस्ट्रल बॉडी इथरिक डबल ना मेंटल बॉडी ये जो किताबें निकाली मतलब गजब की किताबें हैं इशिता मतलब फ्रॉम टूडे मतलब आप इस बुक को इतना लोगों के दिलों में उतार दो और बहुत धीरे धीरे हम इसको बहुत लंबा चलेंगे ठीक है ना क्योंकि जिस दिन ये समझ आ गया ना कि मच्छर के अंदर जो चेतनता है जो मक्खी के अंदर जो चेतनता है तुमने बताई अभी जो मिनरल किंगडम का जो फोटो दिखा एक एक फोटो दिखा के समझाओ कि ये चेतनता कितनी मतलब हम बोलते हैं जीवात्मा इधर गीता बोलती है जीवात्मा है ममात्मा सर्वभूतात्मा लेकिन इधर हम बोलते हैं कि इसके अंदर जो मोनाड की तुमने बात बताई मोनाड का मतलब चेतन और प्लस शरीर शरीर और चेतन है तो ये इतना सारा कुछ लेकिन हम इसको भूल जाते हैं हम इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि हम हमारे दिमाग में पिछले जन्मों की सारी वो पट्टी चढ़ी हुई है भी शरीर है शरीर है शरीर है यू भूलता ही नहीं शरीर लेकिन वो शरीर के साथ साथ चेतनता है तो आज हम बहुत सुंदर बताया भाई अमेजिंग तो तुम्हारे लिए प्लेटफॉर्म खुला है तुम जब भी आराम से एक दिन फिक्स करो जब भी तुम्हारे पास समय हो सरिता मैडम को हमें बताओ और हम चाहेंगे कि कॉजल बॉडी एंड द ईगो समझ आ गई पूरी दुनिया जो है ना मतलब सुधर जाएगी मैं ये कह सकती हूँ आप ही दे दो समय क्योंकि जैसे अभी पीछे शकुंतला मैम ने भी बोला कि टाइम नहीं होता लेकिन अगर कुछ करना हो ना बीमार हो जाए तब टाइम ही टाइम आ जाएगा तो आप जो टाइम है समझाने के लिए तैयार हूँ कोई दिक्कत नहीं है ओके थैंक यू मतलब यू आर ए ग्रेट मास्टर डिवाइन मास्टर ऐसे दिखता है बच्चा है लेकिन शी इज यंग बट शी इज नॉट यंग मतलब ऑलरेडी शी हैज मेनी मेनी एक्सपीरियंस इतना मतलब अनुभव के साथ जो आज बोला है मतलब मैं तो बिल्कुल वो जैसे वो बोल रही थी ना कि भाई दिल बाग बाग हो गया गार्डन गार्डन हो गया मेरा भी दिल गार्डन गार्डन हो गया आज तो थैंक यू इशिता मैं फोन आपको बता दूंगी एंड एवरी मतलब आपको एक दिन आपको कॉजल बॉडी एंड द ईगो को देना है ओके ओके मैम तो ठीक है थैंक यू सरिता मैडम अब आप कर लो बात मैम ज्यादा अच्छे से तो आप ही समझा पाओगे लेकिन मैं इससे जितना समझ पाई वो मुझे इतना ही समझ में आया कि हम शुरू में ग्रुप सोल के रूप में पैदा होते हैं हमारी जो ग्रुप सोल होती है और वो हमारी इच्छा शक्ति होती है कि हम इंडिविजुअल में आए तो जितनी हमारे अंदर चेतना जागृति होती है वो इच्छा शक्ति उसके बाद हम इंडिविजुअल में आते हैं और इंडिविजुअल में भी जितनी हमें बॉडी मिलती है जिसको जैसे कि एज ए व्हीकल डिफाइन किया इसी तरह
तो वो विकल भी किसी उद्देश्य के लिए, खास उद्देश्य के लिए मिलते हैं हमें, और वो उद्देश्य पूरे करते करते हम जो आज जिस स्टेज में हैं वो आखिरी में हम आते हैं। और मतलब कि एक चीज और बताई भी, किसी जब ग्रुप सोल होती है किसी एक वनस्पति को, एक पेड़ पौधे को, एक पक्षी को, जैसे हम कोई फीलिंग आती है तो वो सब में बराबर सेपरेट होती है। तो ये चीजें मैं इसी तरह से समझ पाई, बाकी ज्यादा तो अगर बुक को पूरा समय के साथ पढ़े तभी समझ पाएंगे। तो ये चीजें पता चली कि भी अगर मैं निष्कर्ष में एक बात कहना चाहूँ तो यही कहूंगी कि भी यहाँ तक पहुंचने में हमें बहुत सारे प्रयत्न करे, वर्षों जन्मों जन्मों की मेहनत है, तब हमें मनुष्य जन्म मिला है। और ये जो जागृति है, चेतना है, इसको अब ये नहीं कि जो भौतिक चीजें हैं उन्हीं में खत्म कर दे, इसको जगाना है और यही निर्वाण प्राप्त करना है। मैं, मेरी समझ में एक लाइन आई है, बाकी मैं वहां पे बोली। कति सही, मतलब करक्स ऑफ द स्टोरी कर दिया, मतलब कति सही समझा दी। अग भाई यह चेतनता छोटी 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 बढ़ती बढ़ती इंडिविजुअल सोल बन गई। इब मारा अहंकार नहीं छूटता, यू अहंकार ऐसा आ गया, इब धन इकट्ठा कर लो, इब परिवार वाला मैं माया मुंह में उलझ जाओ, फलाने में उलझ जाओ, न्यू कर लो, बाहर निकल नहीं पाते। जब दिमाग वो हायर मेंटल बॉडी दिखाया इशिता ने, जब वो बताया कि मेंटल से हायर मेंटल मिल गया हमें, फिर भी शांति नहीं। अब यू हायर मेंटल मिल गया तो हायर मेंटल में धरती पर कब्जा करने लग गए, है ना, हवा के ऊपर कब्जा, पानी के ऊपर कब्जा, पानी की बोतल आ गई, किस किस के ऊपर कब्जा करेंगे। और रहना हमने यहाँ है नहीं, हम तो ट्रेवलर हैं, यहाँ तक यहाँ पर आओगे फिर जाओगे, फिर आओगे फिर जाओगे, यह बात हमें पता है, सबको पता है कि हम यहाँ ट्रेवलर हैं, पर फिर भी बात नहीं समझ आती, है ना। तो यह चीज जगानी है हमने, अग भाई जो हमारे भीतर जो ये चेतन है ये हम याद रखें, हमारे सामने वाले के भीतर भी हुए है। यह चीज हमें धीरे धीरे समझ आ रही है, जैसे कि शकुंतला मैडम ने भी कहा और ईशिता ने तो इसको बिल्कुल कति लटगाड़ दिया आज, कति बहुत बढ़िया बताया डिटेल में। लेकिन ये चीज जागृति क्या है कि हमारी जो कॉन्शियसनेस है तो हमें उसी समुद्र में डूबना है, जाना तो उसी चेतन के समुद्र में है, है ना। ये शरीर तो अब डॉक्टर अमित गोस्वामी क्या बोलते हैं कि शरीर इज द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द एस्ट्रल बॉडी, सूक्ष्म शरीर का वेस्ट प्रोडक्ट है ये। जैसे हम संतरे का संतरा खा के छिलका फेंक देते हैं ना, तो ये सूक्ष्म शरीर का वेस्ट, वेस्ट का मतलब काम करन खातर है यो, यो बैठन खातर कोन्या, धन जोड़न खातर कोन्या, यो फिजूल की बात करन खातर कोन्या है, यो है सारे दुनिया की सेवा करन खातर है, और वो करते नहीं। फिर किसी ने हम नहीं अच्छा देखेंगे तो एक जन्म में आंधे आ गए, एक जन्म में बहरे आ गए, एक जन्म में हम कोई टांग में प्रॉब्लम आ गई, हाथ में प्रॉब्लम आ गई, बोलने में दिक्कत आ गई, बीमारी आ गई, कैंसर आ गया, ये आ गया, वो आ गया, क्यों? क्योंकि हम समझ ही नहीं पाते अग भाई ये जो शरीर है ये किस कारण खातर, किस खातर दे रखा है। तो ठीक है, टाइम हो गया हमारा, अब हम 10 मिनट ध्यान करते हैं, सुमित आज ध्यान कराएगा आप सबको। ओके, एक जैसे कि अभी बता आपने, एक पर्सन है वो मेरे से भी किसी ने पूछा था रिलेटेड टू दिस टॉपिक, तो जैसे अभी बताया कि बॉडी इज ए वेस्टेज, ठीक है मैम, तो हमें मतलब किसका ध्यान रखना चाहिए, बॉडी को भी इग्नोर कर दे, बॉडी पे ध्यान देना चाहिए और क्यों देना चाहिए, वो क्या माध्यम है? वेस्ट का मतलब आप समझो कि जो कवर है, जैसे वो प्रोटेक्शन के लिए दिया है ना, अंदर तो सूक्ष्म शरीर है, जैसे मान लो संतरे का ही उदाहरण दिया, तो जो संतरा है वो क्या है, संतरे के अंदर जो प्रोटेक्शन है, जो आत्मा है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए बॉडी है। लेकिन हम इस बॉडी को ही यूज करते हैं, अंदर जो असली चीज है उसको नहीं समझते हैं, दैट मेरा मतलब ये है कहने का यहाँ पर। और ये क्या है जो ये काम करेगा, ये प्रोटेक्ट करेगा, सेम इसी तरीके से हमें प्रोटेक्ट करने के लिए बॉडी दी गई है, लेकिन हम इसका प्रोटेक्ट ना करके हम यूज करते हैं और हम सोचते हैं अंदर तो कुछ है नहीं, बाहर ही बाहर है। तो हमें अपनी बॉडी का ध्यान रखना है। आप देखो अगर छिलका उतार के आप रखो संतरे को थोड़ी देर, क्या हालत होगी, सूख जाएगा,
ठीक है ना। सेम इसी तरीके से हमें भी ये बात ध्यान रखनी है कि इस बॉडी बॉडी इज ए टेम्पल, ये टेम्पल है। वेस्ट प्रोडक्ट का मतलब है कि जैसे हमारे नाखून आगे बाल आगे, ये क्या है, हमारे जो बोन है हड्डी का मल है, हम इसको फेंक नहीं सकते, ये हमारी नीड है ना। सेम इसी तरीके से सूक्ष्म शरीर जो भी कुछ इकट्ठा करता है वो सारा इकट्ठा करके हमारे हाथ पैर बनते हैं। अब मैं किसी को पसंद ही ना करूं एक जन्म में तो मैं ब्लाइंड आऊंगी, क्योंकि मैं किसी को देखना ही नहीं चाहती, मैं किसी को बर्दाश्त ही नहीं कर सकती, मैं हर एक आदमी से नफरत करती हूँ, पेड़ों से नफरत करती हूँ, पौधों से नफरत करती हूँ, सबसे नफरत करूंगी। तो भगवान कहेगा ओके तुम किसी को देखना ही नहीं चाहती तो क्या करोगी तुम देख के। मतलब सिंपल सा फैक्टर है कि हम अलग अलग तरीके से हर जन्म में अनुभव लेने के लिए आते हैं। जैसे ईशिता बता रही थी कि ये जो मुनाड है, ये तो शरीर जो है ये तो बार बार हमें ट्रायल के लिए दिया जाता है, भाई अनुभव कर लो और सुधर जाओ, ये ट्रायल ही नहीं खत्म होता हमारा, है ना। तो ये ट्रायल करने से अच्छा है कि हम जाग जाए, बस इतना ही है कि जो हमें एक हमें शरीर दिया है, देह दी है, जो हमारी देही मतलब आत्मा अंदर है, तो इसका हम सही इस्तेमाल करें, शरीर का अच्छे हाथ पैर अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करें। लेकिन ऐसा मन है मतलब एक मिनट में टर्न हो जाता है कि भाई मेरी मतलब मैं ऊंचा हूं, है ना, तो ये चीज नहीं करनी है। ओके आई थिंक क्लियर हो गया होगा। मैम तो, मैंने इतना ही बताया था कि भाई हम ट्रेवलर हैं, बॉडी व्हीकल है, अगर व्हीकल अच्छा होगा तभी तो जर्नी अच्छी होगी, तो इसलिए बॉडी का ख्याल रखना भी जरूरी है। बॉडी का ख्याल 100%। मतलब मैं इसको दूसरे तरीके से समझाए कि जो सूक्ष्म शरीर का प्रोडक्ट क्या है, सूक्ष्म शरीर का जो हम कर्म सिद्धांत है, जैसा भी हम बोलते हैं जैसा करते हैं वैसा ही प्रारब्ध कर्म लेके हमारे शरीर का निर्माण हो जाता है, बस इतनी सी बात है। ओके यस, तो ठीक है सुमित जी, थैंक यू। तो हम सभी अब सूक्ष्म आसन की स्थिति में बैठ जाएंगे, अपने पैरों को क्रॉस कर लेंगे, अपने हाथों पर हाथ और दोनों हाथों को अपने गोद में रख लेंगे और अपनी आंखें बंद कर लेंगे, और जिसने चश्मा पहना हुआ है वो चश्मा उतार देंगे और बिल्कुल रिलैक्स, शुरू की सांसें गहरी और लंबी, हमारी सांस आ रही है और जा रही है, विचार आते हैं तो आने दीजिए, अपनी सांसों के बहाव में बह जाइए, बिल्कुल रिलैक्स, किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं, हमारी सांसें जुड़ी हुई है हमारी बाहरी ऊर्जाओं से और हम अपनी सांसों से, अपनी सांसों की नौका में
सवार होकर हम अपने अंदर की यात्रा करेंगे। यही सफर है आत्मा से परमात्मा का। हमारी सांसों के माध्यम से आती हुई ऊर्जा को महसूस करेंगे। खुश हैं हम, अंदर से मुस्कुरा रहे हैं। एक फूल की तरह हमारी आत्मा खिल उठी है।
खूबसूरत संगीत मनोरंजन कर रहा है हमारी आत्मा को। बाहरी ऊर्जा हमारे शरीर की एक एक कोशिकाओं में समा चुकी है। आखिरी के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आप धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को उठाकर अपनी आंखों पर रखेंगे और अपना समय लेते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। संगीता मैम, सरिता मैम प्लीज, तो आज हरियाणा दिवस है तो कुछ शब्द जरूर आपसे सुनना चाहेंगे। धन्यवाद सुमित। जैसे कि आज हरियाणा दिवस है, सबसे पहले तो हरियाणा दिवस की सबको बहुत बहुत बधाई। देखो वैसे तो हमारा पूरा भारत हमारा देश है, भारतवासी है, लेकिन जैसे परिवार में रहते हुए फिर भी अपनी एक अलग पहचान हुआ है, अलग रूप में हम अपने आप ने जाने हैं और कहीं ना कहीं वो अलग पहचान हमारे साथ भी देवे है, हमारा काम भी आवे है। उसी तरीके से भारतवासी तो है ही हम, साथ में हरियाणा वासी भी है और हरियाणा हमारी पहचान है, हरियाणी हमारी बोली है और हरियाणी भी बोली मैं जो पीएमसी चैनल का हमने निर्माण करा है, पीएमसी चैनल हरियाणवी बोली खातर बनाया गया है। तो जय हो हरियाणा, जय हरियाणवी और जय हम सब की जय हो। आप सबने हरियाणा दिवस की बहुत बहुत बधाई है और इसी के साथ हम अपना सेशन खत्म करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारी जो 13 दिन की स्वाध्याय सीरीज आज समाप्त होती है।
ये 13 दिन स्वाध्याय के सीरीज तो समाप्त हो रही है, पर ये 13 दिन हमारे दिनों में समा गए हैं। जैसा कि 13 दिन सरिता दहिया मैम ने होस्ट किया इतनी खूबसूरती से, तो पूरे इस स्वाध्याय सीरीज को इतना खूबसूरत बना दिया। और जो हमारे 13 मास्टर जिन्होंने अपने अनुभव शेयर किए, बहुत खूबसूरत शेयर किए उन्होंने, तो मैं उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हम 2 मिनट लेंगे अगर कोई अपना व्यू देना चाहता है तो। हैंड रेज कीजिए अगर कोई अपना व्यू देना चाहता है तो। जी बलबीर मैम, अनम्यूट कीजिए बलबीर मैम। हेलो। हाँ जी बलबीर मैम। हाँ जी सुमित जी, मैं डॉक्टर संगीता नेहरा का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इन्होंने स्वाध्याय सीरीज चलाई, और आज जो इशिता चुग ने दिया ये तो मार्वेलस थी इसकी प्रेजेंटेशन। और हम लोग जो कि साइंस साइड से नहीं हैं, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही काम की इन्फॉर्मेशन है। तो पीएमसी हरियाणा डिफरेंट आस्पेक्ट्स पे जो हमें नॉलेज दे रहा है इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं। और मैं मैडम से अनुरोध करना चाहती हूँ कि इस स्वाध्याय सीरीज को आगे भी चलाया जाए और डिफरेंट डिफरेंट लोगों से डिफरेंट बुक्स पर और भी आगे चर्चा करके हमारे ज्ञान में वृद्धि की जाए। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने काम किया, जिन्होंने स्वाध्याय सीरीज में भाग लिया, ऑर्गेनाइजर मैडम संगीता और होस्ट को होस्ट सरिता दहिया, इनका कार्य इतना सराहनीय है कि ये वास्तव में हरियाणा के लिए बहुत ही एक देन है जो कि परमात्मा ने हमें दी है। और ये हमेशा यूं ही बना रहे और लोगों की सेवा करता रहे, ध्यान को हर एक व्यक्ति तक पहुंचाता रहे, यही मेरी कामना है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच बलबीर मैम। तो ये 13 दिन बहुत ही खूबसूरत रहे, और आज का दिन भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा। शकुंतला मैम ने जैसे अनुभव शेयर किया स्वाध्याय का, और ईशिता ने भी बहुत कमाल ही कर दिया, तो उनका भी कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हमारा समय हो चुका था आगे। तो थैंक यू सो मच। तो अब हमारा समय हो चुका है विदा लेने का सबसे। थैंक यू सो मच ऑल द पार्टिसिपेंट। अब कोई पार्टिसिपेंट नहीं है, सभी मास्टर हैं। तो थैंक यू मास्टर्स।